You are currently the only person in this conference. रहा है मुश्किल है इतना। हाँ जी मिल गया आपको। तो हाउ मेनी ऑफ अस हैव रीच दैट स्टेज कि मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है, याद नहीं हो रहा है, पढ़ा जा रहा है याद नहीं हो रहा है, स्ट्रेस हो रही है अभी जी। हाँ जी ठीक चल रहा है, टेस्ट लेके जाऊंगा मैं, गंदा आदमी हूँ बताया मैंने। हाँ जी मिक्सअप हो रहा है, खिचड़ी बन गई है, चलो पुलाव खा लेंगे। योर गुड नेम इज जी? बड़ी तो नींद आ रही है, कोई डॉक्टर है हमारे पास यहाँ पे? एनीबॉडी फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड? मैडम क्या खाना चाहिए ने ब्रेन हेल्दी? आप भी मेडिकल बैकग्राउंड से हो, क्या ग्रेजुएशन थी आपकी? फिर तो आप बताओ क्या खाना चाहिए आपको। यू शुड हैव मोर ब्रेन हेल्दी फूड। व्हाट इज ब्रेन हेल्दी फूड? व्हिच इज हाई इन ग्लूकोज, राइट, लेस इन प्रोटीन, हाई इन ग्लूकोज। बट ऐसा नहीं है घर जाके चीनी खाने लग जाओ, फ्रक्टोज बेसिकली, राइट। और जो ब्रेन जैसा दिखता है वो ब्रेन को हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल अखरोट। सर क्या चल रहा है? हाँ भूल जाते हो, मेरे को भूलना चाहिए यार, दाढ़ी मेरी चिट्टी हो रही है। मैडम रोशनी जी मेमोराइजेशन आपको तो होना ही था। आइए ऋतिक रोशन जी, आप तो अभी स्टार्टिंग विद इट, अभी पहली स्टेज है, मजा मजा। सर योर गुड नेम? हाँ जी व्हाट इज योर गुड नेम? दीपक, मैं आपसे पहली बार मिला हूँ। माई नेम इज अनमोल मेहता एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर 11 ईयर्स सर। आई एम अ PPSC रिजाइनिंग ऑफिसर एंड प्रोबेबली आई विल ट्राई टू टीच यू करंट अफेयर्स। तो आप कब से लगा रहे हैं क्लासेस सर? फर्स्ट क्लास है आपकी? अच्छा तभी नहीं मिले मेरे से, ऑफिस में भी नहीं मिले, यहाँ भी नहीं मिले। सो पीपल आर कमिंग, लेट्स जस्ट टेक 30 सेकेंड्स फॉर देम टू कम। तब तक मेमोराइजेशन पे बात करते हैं। मेजरली द प्रॉब्लम इज मेमोराइजेशन। सो इफ द साइंस स्टूडेंट्स मे अग्री, देर आर टू पार्ट्स ऑफ आर ब्रेन, विच द राइट ब्रेन एंड द लेफ्ट ब्रेन, विच हेल्प अस मेमोराइज।
the left brain, left side of the brain. I'm just simplifying it. There are details to it, the brain stem, etc., etc. But we are supposed to simplify it, right? So the left brain actually helps you remember more facts, like phone number. The right brain helps you remember more pictures or relationships or those kind of things, emotional things, right? A number has no emotion until and unless it belongs to your nibba and nibbi. So, but numbers or facts ko yaad karne mein hamara brain slower hai. We are not, human brain is not meant to remember phone numbers or facts. To wahi meant hai. To art of memory ka agar, वैसे तो पूरा कोर्स होता है, पर अगर एक क्रक्स है, एक रूल है जो आपको सारी जिंदगी काम आएगा, यू हैव टू कन्वर्ट दैट फैक्ट इनटू एन इमोशन. याद है जब हमने फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे कहा गया है कि याद है, कोई सुना सकता है? वन वॉज सन, टू वॉज शू, थ्री वॉज ट्री, हाउ वी क्रिएटेड दैट रिलेशनशिप्स. सो द crux of memory, one rule for memory is treat that fact into an emotion. है ना, अभी मैं आपको फोन नंबर अपना बता के जाऊंगा तो 10 साल बाद आपको याद नहीं रहेगा. अभी यहाँ पीछे से शेर निकाल दूंगा तो आपको 10 साल क्या 20 साल बाद भी याद रहेगा यहाँ से शेर आया था. शेर यहाँ से थोड़ी आया था, शेर यहीं पे है. Anyhow, so let's start with this current affairs. So same format as we decided in the previous first lecture that how we'll be covering current affairs. हमने महुआ मित्रा जी की फोटो देखी थी जो न्यूज आई थी, उससे न्यूज सवाल कैसे बनती है, हाउ द न्यूज बिकम्स अ क्वेश्चन, वी डिस्कस दैट, राइट. उस टाइम एक सुंदर से महुआ मित्रा जी थे, इस हफ्ते एक सुंदर से भगवंत मान जी हैं. वेरी वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर, राइट. सो सेम फॉर्मेट वील बी फॉलोइंग. हर किसी को पीडीएफ मिल जाएगी आफ्टर द क्लास, और यू माइट हैव रिसीव्ड इट ऑन योर पोर्टल ऑलरेडी. पोर्टल पे तो है ही है. नहीं मिलती है तो प्रिया मैडम से आप बोलेंगे, मिल जाएगी, राइट. सो पीडीएफ वुड बी मेड अवेलेबल. आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, आई विल टेल यू हाउ द क्वेश्चन इज मेड. आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, महुआ मित्रा जी आए थे, वैसे ही अब भगवंत मान जी आए हैं न्यूज में. कहानी बड़ी अच्छी है, पहले कहानी सुनते हैं कि न्यूज क्या है, फिर उसमें से सवाल क्या आएगा. अभी नहीं बिखरना यार, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं. आई फॉरगॉट योर गुड नेम मैम. खुशप्रीत जी, अच्छा खुशी में बिखरे हैं ना, गम में तो नहीं. So the news is very, very good news. I have to actually explain things because I think abhi kuch logon ne polity bhi start nahi kiya. So idea is newspaper ke backward linkage se banta hai prelim mein sawal, forward linkage se banta hai mains mein sawal. So I recommend to you, aisa nahi karna ki yaar polity mein governor to humne padha tha, current affair mein dobara padh li aur do notes ho gaye. So, इससे बेटर कि आप अलग करंट अफेयर के नोट्स पढ़ो. जहां पॉलिटी में गवर्नर पढ़ा है वही चीज न्यूज में आई है, राइट. तो मार्केट इज इंपॉर्टेंट ओवर देयर. अगर कुछ ऐड करने वाला है न्यूज से, जैसे फॉरवर्ड लिंकेज ऐड करने लिए वहां पे स्टिकी नोट लगा लो. सो यू विल हैव दैट वन सोर्स ओनली. यूजली व्हाट इज द मिस्टेक ऑफ एस्पिरेंट्स, ये करंट अफेयर के नोट्स इतना ऊंचा, स्टैटिक नोट्स और भी चला क्लोन, और बाद में रिविजन नोट्स और भी बढ़े. तो जब पेपर आता है, आखिरी हफ्ता आता है ना, द बेस्ट स्टेटमेंट बाय यूजली दी एस्पिरेंट्स एंड मेजरली दी फीमेल एस्पिरेंट्स हु आर बेटर एट स्टडीज, सर आई एम अ हेडलेस चिकन, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं. क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज जो आप सीढ़ियां चढ़ रहे थे, आप चार चार सीढ़ियां छलांगे मार रहे थे. धीरे धीरे चढ़ो एंड कीप इट वन सोर्स ओनली. इफ यू हैव दैट वन सोर्स ना, हो ही नहीं सकता है पेपर ना निकले. करंट अफेयर के पीडीएफ बेचने वालों को ये फायदा है कि उनकी पीडीएफ बिकती है. 500 पेज की पीडीएफ आ जाएगी, ईयरली पीडीएफ आ जाएगी, मंथली. पेपर से पहले क्या होता है, मई में पेपर होता है, जनवरी के आसपास ईयरली कोई पीटी या सीटी या मीटी कुछ आ जाता है, वो पढ़ लो. फिर उसके बाद जिसने पेपर दिया है वो शायद सच बता पाएंगे. उसके बाद फिर मई में पेपर है, जनवरी में आ गई, आपने पूरी 500 पेज की हर सब्जेक्ट की पढ़ ली, उसके नोट्स भी बना लिए. फिर फेब में अपडेट आ जाता है, फेब अपडेट्स, फिर आप वो पढ़ते हो. मार्च में और अपडेट्स आ जाती हैं. पेपर से पिछले दिन तक कोई ना कोई किताब आती रहती है और हम लोग सब कुछ पढ़ते रहते हैं. और पेपर में फिर ऐसा होता है, पढ़ा तो था
याद नहीं आ रहा, जिस जिसने पेपर दिया है यहाँ पे एक बार भी, वो मुझे बताओ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? ऑल दो इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है। 400 बच्चों की क्लास थी दिल्ली में एक बार, और कम से कम 150 बच्चे तो मुझे जानते थे कि प्रीलिम देके आए हैं। एंड आई आस्क्ड किसने किसने दिया है, एवरीबॉडी सेड किसी ने नहीं। तो इफ समबडी एडमिट्स दिस इज ऑल्सो लेट्स से अ वेरी वेरी ब्रेव एक्ट। तो जो हुआ है वो सच नहीं बताएंगे तो हम क्योर कैसे करें? ज्यादा सो दिस शुड नॉट हैपन एंड वी शुड ब्रिंग एंड क्रिएट अ सिंगल सोर्स फॉर स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स, राइट? सो अब ये खबर सुनते हैं जी, कहानी बहुत अच्छी है। सीएम साहब पंजाब के सीएम है भगवंत मान जी, ये पंजाब के गवर्नर हैं, राइट? सो बेसिक कंसेप्ट हमने बात करी हुई पॉलिटी की क्लासों में कि जैसे फैमिली में पापा होते हैं और दादा होते हैं, वैसे स्टेट लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय सीएम होते हैं और इधर दादाजी होते हैं। दादाजी बूढ़े हैं तो दादाजी को सब डिसीजन एक्चुअली पापा के मानने होते हैं कि कहाँ शादी होगी बेटी की, किसके साथ होगी, कौन सा बैंकवेट बुक होगा। सो इसमें वही लॉजिक लगाते हुए ही इज द पापा इज द दादा, ही हैज टू अग्री। रीजन ये नहीं है कि वो एक्टिव है, रीजन ये है कि पीपल का रिप्रेजेंटेटिव ही है ना, पंजाब की जनता ने बोला है ना कि मेरी मानो, इसकी मानो, ये हमारा आदमी है। ये तो नॉमिनेटेड है, इज अपॉइंटेड, नॉट इवन नॉमिनेटेड, इज अपॉइंटेड, ही इज इलेक्टेड। सो इनकी चलनी चाहिए। अब ये गवर्नर को बोलते हैं कि भाई साहब एक सेशन बुला दो। सेशन अल्टीमेटली साइन तो दादा के होते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द कॉन्सेप्ट्स। सेशन बुला दो, मुझे एक स्पेशल सेशन चाहिए। सिंस गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर, निकालेगा कौन इन्हें? सेंटर। तो ये गवर्नर बोलता है मैं नहीं बुलाता। देन आपने सुना होगा यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स होते हैं, चांसलर इज द गवर्नर यूजुअली। तो नाउ ही वांट्स कि ये आदमी चांसलर ना रहे यूनिवर्सिटी का। ये लॉ इंट्रोड्यूस कराता है, बिल इंट्रोड्यूस कराता है, फाइनल साइन किसके होंगे? दादा के, गवर्नर के। ये बोलता है भाई साहब साइन करो, बोलता मैं नहीं करता। फिर ये बोलता है एक और बिल दो, बोलता मैं नहीं करता। सो द चीफ मिनिस्टर हु इज द इलेक्टेड हेड, द डी फैक्टो हेड ऑफ द स्टेट, लोगों ने इसे भेजा है, बट ये आदमी उसकी सुनी नहीं रहा। So in a way, if you are betraying him, it's not Bhagwant Mann, it is the people of Punjab who have chosen him. So if he does not agree to his facts, he is actually betraying the people of Punjab. So teen bill aise the jo inhone bheje aur inhone sign nahi kare. Pocket veto main nahi karta, pocket veto hoti nahi ki main nahi karta, ha ya na kuch nahi karta, jeb mein rakh liye, aur us pe koi time limit bhi nahi hai is desh mein. So what happened sir? मान साहब क्या कर सकते हैं? मान साहब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में महीने डेढ़ महीने में एक तारीख पड़ जाती है, एंड गवर्नर इज वेरी क्लेवर, ये बड़े दादा को भेज देते हैं आगे सारे बिल्स। इनके पास ऑप्शन होती है दैट ही कैन ट्रांसफर टू द प्रेसिडेंट, सो ही सेंड्स इट टू द प्रेसिडेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो गवर्नर को कह दिया यू हैव टू अग्री टू द चीफ मिनिस्टर, बिकॉज इफ डू नॉट अग्री देन इट इज a fraud on the constitution. सुन रहा है पीछे तक? Audible ना? कई बार ये problem आई थी पीछे क्लासों में कि आवाज नहीं आती शायद पंखे करके, अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज स्विच इट ऑफ, एसी चल रहा है। थोड़ा सा आगे आ जाओ यार, गला खराब हो जाएगा मेरा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, keep sitting. So anyhow, so जो कोई ना keep sitting, सुन रहे हो ना? Thank you. So the governor is supposed to listen to the chief minister. Kya karna hai? Ye bhaiya se bolo jo bhi karna. Miss or unorganized nahi yaar, time pe aa jaya karo, sare beech beech mein aaoge na to flow toot jata hai. Anyhow, so the governor is not listening. Hum story mein kahan pahunche the? CM sahab supreme court chale gaye, गवर्नर ने प्रेसिडेंट को भेज दिया। सो क्रिल की एक आर्गुमेंट कि प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया इन्हें बिल, एक मना करके, वो वाला बिल जिसमें इन्होंने कहा था कि गवर्नर चांसलर नहीं होंगे। तो अब बड़े दादा ने भी मना कर दिया, हम तेरी नहीं मानते। अब मान साहब ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो अगले हफ्ते अब ये खबर आएगी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, क्या हुआ पढ़ेंगे हम न्यूज़पेपर में, बट सवाल क्या ये आएगा कि कौन गया सुप्रीम कोर्ट या किसने क्या कहा? नहीं,
क्वेश्चन वुड बी अराउंड इन द प्रीलिम्स व्हाट आर द पावर्स एंड पोजीशन ऑफ द गवर्नर इन व्हाट केसेस ही कैन एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन राइट एंड इन द मेंस गवर्नर ऑक्यूपाइज अ पिवोटल पोजीशन इन द स्टेट एग्जीक्यूटिव बट ही इज ऑल्सो द एजेंट ऑफ द सेंटर एंड ही बिहेव्स अकॉर्डिंग टू द सेंटर इन द स्टेट causing some issues and challenges in Indian Federation. So this is backward linkage for the pre, forward linkage for the mains. Right? So this is what we are going to discuss, as I said, ki hai kya, how is governor related to the states? So basically, governor is the nominal head of the state. Just a second. जी गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट व्हाट डू आई मीन बाय नॉमिनल नॉमिनल हेयर मींस ही इज नॉट द रियल हेड जिसे हम टर्म्स यूज करते हैं डी ज्यूरे हेड आई विल एक्सप्लेन दिस डोंट वरी डी फैक्टो हेड डी ज्यूरे मींस आई विल सिंपलीफाई डोंट वरी डी ज्यूरे मींस बाय वर्च्यू ऑफ लॉ De facto means by virtue of fact. और हर साल इससे हर साल सवाल आ रहा है बड़ा सिंपल सी बात है I have explained this in all the batches I have taught polity in. Right? So simple सी बात शुरू में भी बताई कि एक फैमिली अपनी मान लो एक पापा है एक दादा है सारे फैक्चुअल decisions कौन ले रहा है असली नहीं कौन कर रहा है सपोज घर पे लड़की की शादी होनी है किससे शादी होगी कौन बताएगा कौन सा बैंकवर्ड बुक होगा कौन बताएगा पापा पर पहली मिलनी कौन करेगा दादा सो स्टेट लेवल पे दादा कौन है स्टेट लेवल पे गवर्नर पापा कौन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय सीएम ऐसे ही सेंट्रल लेवल पे दादा कौन है प्रेसिडेंट और पापा कौन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम राइट सो By virtue of law, कहने को head कौन है? By virtue of law, either at state level governor, at the central level president. But असली में कौन head है? By fact, council of ministers, CM and PM. Right? So this concept they were asked in various forms for the previous 2-3 years. अब जो भी report submit होती है घर में कुछ भी होता है finally किसको जाती है? दादा को कि यार ये लो जी आप रख लो देख लो ये दिया और तो दादा उसका कुछ कर नहीं सकता पापा के बिना कहे पर इतनी सी बात समझ जाओ तो पॉलिटी का कंसेप्ट तो आप समझ जाओगे ये वाला राइट सो दे आस्क यू इन डिफरेंट फॉर्म्स फॉर एग्जांपल लास्ट 2023 में क्वेश्चन आया था दैट द सीएम सबमिट्स द रिपोर्ट टू किसको करनी चाहिए गवर्नर ना सीएम सबमिट्स इट टू यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑब्वियसली गलत है इस साल उसी को घुमा के पूछ लिया कैसे The budget is presented by Union Finance Minister on behalf of whom? President होना चाहिए इन्होंने PM लिख दिया so, इसी concept को ऐसे से घुमा रहे हैं और दोबारा घुमाएंगे But एक बात समझने वाली है ये छोटे दादा हैं बड़े दादा हैं एक बात और समझो इसमें Just a second. So, अब हमारा देश जो है छोटा सा मैप बना के देखते हैं दिस इज माई फेवरेट एक्टिविटी although आई डोंट डू इट वेल इतनी जल्दी बना देना चाहिए आपको चाहे गंदा हो मेरे जैसा राइट सो इंडिया है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स तो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स सारी स्टेट्स के ऊपर सेंटर बैठा है बड़ा भाई छोटा भाई मान लो देश दो भाइयों में बटा है पावर वाइज बड़ा भाई इज सेंटर छोटा भाई स्टेट सो देश संविधान के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा किसकी ड्यूटी है सेंटर की है ना स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे किसकी ड्यूटी है सेंटर की हेंस सेंटर ने एक बंदा रख रखा है गवर्नर गवर्नर है तो एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट का हेड बट रखा इन्होंने क्यों Because governor has to ensure
कि मान साहब कॉमेडी करते करते कहीं संविधान से बाहर ना चले जाएं. रिमेंबर दैट फर्स्ट एग्जांपल अम्ब्रेला एंड बीगना. सो मान साहब कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जाएंगे, गवर्नर अश्योर करेगा. हेंस गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि ही कैन एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन इफ ही डीम्स फिट. कि उसे लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो वो अपनी मनमर्जी कर सकता है. प्रेसिडेंट कभी मनमर्जी नहीं कर सकता बारिंग सम एक्सेप्शनल सिचुएशन. गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्क्रिशन दे रखी है. हेंस द डिफरेंस बिटवीन दिस यूनियन सेंटर उसके नीचे गवर्नर उसके नीचे स्टेट स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ऑल्दो ये इलेक्टेड हैं बट फिर भी इसके पास कुछ पावर्स ऐसी हैं जिसमें ये डिस्क्रिशन में काम कर सकता है. जबकि सिमिलरली इधर प्रेसिडेंट है तो पता कर सकते हैं नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम है. ये अपनी डिस्क्रिशन में काम कर ही नहीं सकता. फॉर एवरीथिंग ही हैज टू लिसन टू द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द एड एंड एडवाइस इज बाइंडिंग. सो ओवर हेयर द गवर्नर हैज अ डिस्क्रिशन. द रीजन फॉर डिस्क्रिशन पता होना चाहिए. पॉलिटी रट्टा है ही नहीं, कंसेप्ट है समझ आओ. जस्टा मारने की जरूरत ही नहीं है राइट. सो गवर्नर के पास डिस्क्रिशन क्यों है? बिकॉज ही हैज टू इंश्योर सेंटर्स डिस्क्रिशन. ही इज बीन अपॉइंटेड बाय सेंटर. बट फिर इसमें दिक्कत भी तो है. लॉ तो अच्छे के लिए बनता है, बना तो इसलिए था कि स्टेट बनेगी और चलेगी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से. बट व्हाट हैपेंड? सेंटर पे कौन सी सरकार है? कल्कि जी की है ना, मोदी जी की. और पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी की. एक तो इनका सीएम अंदर ही कर दिया इन्होंने, और अब दूसरे वाले को गवर्नर से तंग करवा रहे हैं. गवर्नर को क्या दिक्कत है? निकाल कौन सकता है गवर्नर को? सेंटर. तो सेंटर कह रहा है मेरी मान, और सीएम कह रहा है मेरी मान. आप खुद से बताओ, आप मान की मानेंगे कि भगवान की मानेंगे जो आपको निकाल सकता है? सो दिस इज हैपनिंग ऑल अक्रॉस स्टेट्स दैट द गवर्नर इज यूज्ड फॉर पॉलिटिकल एंड्स बाय द सेंटर. हेंस द प्रॉब्लम, हेंस द डिस्कशन. सो गवर्नर के पास डिस्क्रिशन है, ये हम लोग समझ गए. कोई प्रॉब्लम इसमें अभी तक? अब आप जब पॉलिटी नोट्स देखेंगे आपको सेम चीज मिलेगी. जस्ट अ मिनट. जस्ट गिव मी अ मिनट. दिस इज द अनदर नोट. जस्ट अ सेकेंड. सर यहाँ पे देखिए, मैं देख पा रहा हूँ आंसर है नहीं आ रहा है. तो इसका आंसर आपका सिंगल न्यूक्लियोटाइड टाइपिंग जो है इसका करेक्ट आंसर होगा. देख लीजिएगा जो आपका अगर आप क्वेश्चन बायोलॉजी प्रिपेयर कर रहे हैं तो बात है. जीनोटाइपिंग जो रेजोल्यूशन के लिए रेजोल्यूशन लिंक के लिए आपकी ऐसा विच टेक्निक
है आप मिशन है प्रेजेंट आपके पास सर्टिफिकेशन ऑफ द डिलीशन रीजन फॉलोड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ऑप्शन बी है आपके पास सदन ब्लोटिंग यूजिंग अ प्रोब आउटसाइड द डिलीशन रीजन. ऑप्शन सी है आपके पास सीक्वेंसिंग द पीसीआर प्रोडक्ट स्पेनिंग द डिलीशन जंक्शन. ऑप्शन डी है आपके पास वेस्टर्न ब्लोटिंग ऑफ द प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ द डिलीटेड जीन. तो यहां पे कौन सा जो है आपका सही होगा. देखिए क्वेश्चन को समझिए. आपको पता करना है कि एक बैक्टीरिया के जीन के अंदर डिलीशन म्यूटेशन है या नहीं. तो इसके लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, पीसीआर एम्पलीफिकेशन करेंगे, सदन ब्लोटिंग करेंगे, सीक्वेंसिंग करेंगे या वेस्टर्न ब्लोटिंग करेंगे. यहां पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा. देखिए वेस्टर्न ब्लोटिंग तो ये तो मैंने काट दिया. वेस्टर्न ब्लोटिंग तो आपका प्रोटीन यहां पे इसके लिए यूज नहीं होगी. सदन ब्लोटिंग, पीसीआर एम्पलीफिकेशन, सीक्वेंसिंग, तीन ऑप्शन है. आपके चांसेस 33% हो गए हैं अब 25 से. तो क्या होना चाहिए यहां पे आपका सही आंसर. देखिए डिलीशन म्यूटेशन का पता करना. तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आंसर, देखिए इसका जो सही आंसर होगा मैं बता रहा हूं यहां पे सीक्वेंसिंग. जब भी कोई इस म्यूटेशन छोटा लगा लीजिए, ये आपका डीएनए है, इसको डिलीट कर दिया तो म्यूटेशन को फॉर्म यूज करके आप कोई जो है रेगुलर बायोलॉजी ऑप्शन it
both options are no precipitation plus spectroscopy भी आपके पास यहाँ पे है। देखिए ऐसी टेक्निक क्वालिटेटिव डाटा भी आपको दे क्वांटिटेटिव डाटा भी मिक्स आ रहे हैं। देखिए अलाइजा नहीं है यार, अलाइजा यहां नहीं आएगा। एंजाइम लिक्ड इम्यूनो ये ऐसे यहां पे यूज नहीं होते। केस में वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होती है? रेलवे स्टेशन एंड ऑल असुविधा के लिए सबको खेद है। आई एम सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो वेयर वर वी वर डिस्कसिंग दिस राइट। सो गवर्नर एक्ट्स एज द नॉमिनल हेड वेयर एज द रियल पावर लाइज विद चीफ मिनिस्टर। कोई बड़ी बात नहीं है। सो व्हाइल द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड द गवर्नर इज सिलेक्टेड बाय द सेंटर। सेम थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। सो बाय द इनकम्बेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो सरकार में है वही इलेक्ट करते हैं, ऐसे सिलेक्ट करते हैं राइट। गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज अ वाइटल लिंक बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड टिल नाउ। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि जो चीज डिस्कशन में हो रही है वही यहाँ पे है राइट। सो आर्टिकल 163 दिस इज व्हाट फॉर्म्स द क्वेश्चन। सो इस बार पेपर के लिए 24 में क्या इंपॉर्टेंट था? एथिक्स कमिटी। इस बार के लिए और अगले प्रीलिम्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? गवर्नर। तो ये आर्टिकल आपको पता होना ही होना चाहिए। प्रीलिम में ना भी आए मेंस के आंसर में तो लिखना राइट। यू हैव टू मेंशन। गवर्नर पे सवाल आएगा आना चाहिए तो यू हैव टू मेंशन दिस आर्टिकल। तो व्हाट आर यू सपोज टू डू? पीडीएफ तो मिलेगी, क्लास में क्या लिख लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बारी पेपर के लिए। जस्ट कीप ऑन नोटिंग इट डाउन राइट, कि कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, कल को रिवाइज करने में हेल्प होंगे और कल को आपके बेसिक नोट्स में ऐड करने को हेल्प होगा राइट। सो आर्टिकल 163 क्या कह रहा है? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। यहां तक ये सेम है प्रेजिडेंट के लिए। सबको दिख रहा है? किसी के आगे लेक्चर टेबल तो नहीं आ रहा? देख पा रहे हो एवरीबडी राइट। सो यहां तक सेम है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, वहां पे पीएम लिखा होता है, यहाँ पे सीएम लिखा है और वो उनकी एड एंड एडवाइस मानेगा। गवर्नर और प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस माननी पड़ती है। परंतु बट एक्सेप्ट द डिस्क्रिशन ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो गवर्नर के केस में कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्क्रिशन दी है तो यूपीएससी पूछ लेगा कौन सी डिस्क्रिशन है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है गवर्नर की, कौन सी सिचुएशनल डिस्क्रिशन है। हेंस दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट
And if any question arises whether a matter is within the governor's discretion or not, मेरी मर्जी चलेगी कि नहीं कौन बताएगा? नहीं बताऊंगा तो मेरी मर्जी वो चलेगी फिर एक तरह से, राइट? द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर इज वाइडर देन दैट ऑफ प्रेसिडेंट, वी हैव डिस्कस्ड दिस, राइट? सो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशंस, दीज आर्टिकल्स नाउ बिकम इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 167, आर्टिकल 200, आर्टिकल 356, दीज अलॉन्ग विद 163, these along with 163 will form a question in 2025 prelims either of UPSC or state service, that is my personal guarantee. Aur batao isse zyada kya patthar pe lakeer kheench dun, hai na? So be very sure ki aapko pata hai ye article kya keh rahe hain. Choti si baat keh rahe hain, 167 kehta hai ki governor can seek information from chief minister from administrative and legislative matters. कि सरकार चला रहे हैं, लेजिस्लेचर में तो सीएम एंड उनके बंदे मान साहब एंड उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, है ना? तो उधर हो क्या रहा है दादाजी पूछ तो सकते हैं ना, बेटा आज क्या किया, बस उतनी सी बात है, पूछना उनका हक है. ये क्या बोल रहा है, गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल फॉर प्रेजिडेंट्स कंसिडरेशन. बेसिकली इस आर्टिकल पे न्यूज बनी है, एक्चुअली न्यूज इज ऑन टू आर्टिकल्स, 163 एंड 200. उन्होंने क्या करा, सो यू शुड बी श्योर. गवर्नर पे सवाल है, मन में 163 और 200 आना चाहिए, दैट्स एज सिंपल एज दैट, राइट? आर्टिकल 356 क्या है, व्हाई गवर्नर हैज बीन गिवन डिस्क्रिशन, पढ़ो मत क्या है 356, व्हाई गवर्नर हैज बीन गिवन डिस्क्रिशन, शुरू में आया था व्हाई, कि देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, अगर नहीं चलेगा गवर्नर कैन रिकमेंड कि इनको हटा दो, आप ही देख लो भैया. इमान साहब मजाक करते करते किकली कलीर दी करते करते, पर आप बुरी हालत सुखबीर दी नहीं हुई, इनकी हो गई है, है ना? सो हेंस द गवर्नर कैन डू दिस. अब ये देखो, कहने को वो सिर्फ एक नॉमिनल हेड है सीएम के रिलेशन में, सपोज आई एम सीएम मान एंड यू आर गवर्नर, कहने को आप सिर्फ सिलेक्टेड बंदे हो जिसके पास नहीं कोई पावर होनी चाहिए, और मैं सीएम होने के नाते आदमियों से वोट लेके आया हूँ, इतनी कॉमेडी करके मैंने परसेंटेज ली है, मेजॉरिटी ली है, बट आप मेरी फिर भी नहीं सुन रहे, और मैं आपको नहीं निकाल सकता, आप मुझे निकाल सकते हो. लुक एट दिस, हेंस अ ग्रेट आयरनी. सो फर्दर, गवर्नर इज नॉट बाउंड टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स while performing his duty as administrator of neighboring UTs. So governor can be appointed as administrator of UTs. Punjab governor can be as administrator of Chandigarh. So jab wo UT Chandigarh ka kaam kar raha hai, tab use Maan sahab ki nahi sunni, because Maan sahab to Punjab ke CM hai, Chandigarh to UT hai. UT means union ki territory. Desh do tarike ki territories mein bata hai na, states and union territories. स्टेट्स खुद में एक यूनिट है, यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट यूनियन की ही टेरिटरीज हैं, सो दैट इज डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय यूनियन. वो प्रेसिडेंट की मर्जी है, उधर एडमिनिस्ट्रेटर रख दे, लिएटेनेंट गवर्नर रख दे, चाहे गवर्नर लेबर दे दे, भैया तू ही देख लेना, बट डायरेक्ट उनकी प्रॉपर्टी है, राइट? सो व्हाइल डूइंग दैट फंक्शन ही नीड नॉट लिसन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट? सिक्स शेड्यूल किसके लिए था? This was for ATM without money. Why without money? Because Manipur near Mizoram है, Miser's का ATM है, Miser is conjuice. So ये tribal areas के लिए basically sixth schedule है. So tribal areas में हमने क्या बात करी थी, कि tribals चाहे झिंगा लाला करना चाहे, चाहे शाका लाला करना चाहे, सरकार का कोई हक नहीं बनता उनको सैलड से सूप बनाने का. सैलेड मॉडल इज आपके पास प्याज और टमाटर है, अलग रखा हुआ है आपने, दिख रहा है ना कौन सा प्याज कौन सा टमाटर है, जब उसका सूप बना दोगे तो पता थोड़ी चलेगा. सो यू हैव नो राइट टू असिमिलेट द ट्राइबल्स फोर्सफुली, राइट? व्हाटएवर दे वांट टू डू दे शुड. सो इसी रिगार्ड में गवर्नर को स्पेशल पावर दी हुई है कि जब आप सिक्स शेड्यूल में एक्ट कर रहे हो तो आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात सुनने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप ट्राइबल्स की सुनो. तभी सिक्स शेड्यूल में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई हुई, ट्राइबल काउंसिल्स बनाई हुई, सो दैट दे कैन डू देयर स्टफ.
either Jingalala or Shakalala, their own wish. Then there are situational discretions. Maan sahab ki kyun sunni hai? Because Maan sahab ke paas majority hai. Par agar kisi ke paas majority hi na ho, kahe to koi ab ki baar 400 paar. Par aaye kitne? 240. Ab unke paas majority. Although the case is different ki unki coalition ke paas hai. But agar sari NDA ke paas 240 hote, 272 was majority. अगर 240 ही होते सबके पास एनडीए मिला के, तो प्रेसिडेंट की मर्जी थी, वो राहुल गांधी को बोल सकता था आजा भाई पीएम तू है। ऑल्दो एक दो महीने के लिए रहता फिर उसे मेजोरिटी तो प्रूफ करनी पड़ती, बट क्योंकि पापा ही वीक हो गए, जब अगर पापा ही हॉस्पिटल में चले गए तो हु विल डिसाइड नाउ? नाउ दादा सेज, कई बार अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है ना कि डैड फॉल्स इल and he is unable to decide for himself. फिर घर की मम्मी जाती है, आ बताओ हम तो कहाँ रात को लेके जाएंगे? फिर दादाजी अपनी धोती उठा के डंडा लेके चलते हैं, चलो मैं चलूंगा, right? So this is situational discretion. कभी कभी ऐसा हो सकता है, कब? During hung assembly, किसी के पास majority नहीं है तो governor की मर्जी चलेगी, although बाद में house में prove करनी पड़ेगी majority, ज्यादा देर नहीं चलेगी। जब पापा ठीक होके आएंगे पूछेंगे कहां बिल दिए बताओ, राइट? नो कॉन्फिडेंस मोशन कि सरकार में लेजिस्लेचर को कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा, मान साहब के खिलाफ ही मोशन हो रही है, राइट? देन गवर्नर कैन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली व्हेन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लूजेस देयर मेजोरिटी। पहले मेजोरिटी थी बट बगावत हो गई, जैसे हिमाचल में होने लगा था, मेजोरिटी नहीं रही अगर सरकार के पास, then governor can act in discretion, right? Appointment of caretaker government, when the governor can appoint caretaker for a temporary period until a regular government is elected. भाई election होने थे, जैसे पंजाब में पीछे emergency लग जाती है, उस time election नहीं हो पा रहे, तो election अब नहीं हो पा रहे, एक government का tenure खत्म हो गया, तो तब तक caretaker government actually पीछे वाली government ही चलती है, but वो caretaker है, उनके पास majority नहीं है, है ना? So hence governor can act in discretion. Special provisions with respect to some states, the president may provide special responsibility. बड़े दादा गवर्नर को कभी ना कभी discretion दे सकते हैं. Situational discretion, sir, ये president के पास भी है, जो कभी कभी मिलती है, है ना? Situational discretion कभी कभी मिलती है, मौके की बात है, मौके पे चौका दोनों मार सकते हैं, president भी और governor भी. But constitutional discretion किसके पास है? Governor. Which were the relevant articles, tell me. One was 163. पहली क्लास में ही बता दिया आंसर, मैडम 200. तो बेसिक न्यूज इज अराउंड 163 एंड 200. आपने एक्सेल किया उसके साथ सपोर्टिंग में 356. सो दिस विल फॉर्म द क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स, राइट? सो गोइंग फर्दर मेंस आ गया, प्रीलिम के योद्धा थोड़ी बनना है, मेंस भी देना है. मेंस का सवाल यहां से शुरू होता है, व्हाट आर दी चैलेंजेस? चैलेंजेस गवर्नर की पोजीशन के लिए, सबसे पहला अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर. गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंट सबको प्रेसिडेंट कर रहे हैं, किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेंटर की एडवाइस पे अपॉइंट वो कर रहे हैं, काम ये हेड ऑफ स्टेट कर रहा है. तो बड़े भाई ने एक आदमी ऐसा रख दिया जो छोटे भाई को चलाएगा, पर रखा किसने? बड़े भाई ने. निकालेगा कौन? बड़ा भाई. बट वो हेड किसका है? छोटे भाई का. ये तो नजायज हो गया ना छोटे भाई के साथ. दिस इज द चैलेंज, राइट? सो सेंटर अंडरमाइंस द डिग्निटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ऑफिस. जब गवर्नर सेंटर की नहीं सुनता तो उसे रातों रात बोल दिया जा भाई तू गवर्नर है नहीं, है ना? गवर्नर को निकाला और लगाया एक मिनट में जा सकता है, जस्ट बाय द सेंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, राइट? हेंस सेंटर यूजेस द गवर्नर फॉर पोलिटिकल एंड्स, वेयर एज द गवर्नर इज अ वाइटल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, हेंस देयर इज अ चैलेंज, राइट? इजंट इट? देन द रोल एंड पावर्स ऑफ गवर्नर्स. द गवर्नर हैज वेरियस रोल्स एंड पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सच एज गिविंग असेंट टू बिल्स पास्ड बाय स्टेट, अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, सेंडिंग रिपोर्ट्स. हाउएवर दीज रोल्स आर ऑफन सब्जेक्ट टू डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर. जो आपने अभी देखा न्यूज इसी चैलेंज की थी ना, कि मान साहब जाते हैं बिल साइन कर दे लॉ बना दे,
लॉ ऐसी बनता है, एक हाउस में पास हुआ, दूसरे हाउस में पास हुआ, फिर गवर्नर या प्रेसिडेंट के साइन हो गए। अगर स्टेट में एक ही हाउस है तो हाउस में पास होके साइन हो गए गवर्नर प्रेसिडेंट के, डन। वो साइन ही नहीं कर रहा है, प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकता, ये मना कर सकता है, दैट इज द चैलेंज, राइट। देन देयर हैव बीन केसेस, ये जो पंजाब की कहानी है कर्नाटक और तमिलनाडु में रिपीट कर चुकी है, सारे देश में हो चुकी है। एंड इंदिरा गांधी के टाइम पे तो बहुत बुरा हाल था। वी हैड कंपेयर्ड ना 1975 इमरजेंसी एंड 2019 ईडी, वी हैड डन दैट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कितना बुरा हाल कर रहे थे लोग, जो भी खिलाफ बोलता था उसको उठा लेते थे घर से, है ना। सो दिस वाज सिमिलर कंडीशंस, बट वर्स हैज बीन फेस्ड बाय द कंट्री, राइट। सो द अकाउंटेबिलिटी एंड इम्यूनिटी ऑफ गवर्नर्स, although the governor is supposed to be the president's analog at the state government, the reality is that they have been and continue to be the agents of the union government sent to keep a check on popularly elected governments. ho sakta hai, bol nahi sakta camera par, ho sakta hai, isliye ho sakta hai pehle hi laga diya ki ye maan sahab ko sirf isliye tang kar rahe hu ki aam aadmi movement phail na jaye aur 10th avtar ko koi problem na aa jaye। हो सकता है कांग्रेस और बीजेपी मिलके उन्हें दबा रहे हो सकता है ना। वो लोग देते तो शायद पार्किंग फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, अच्छा है बुरा अलग बात है, दैट इज नॉट, दैट इज डिबेटेबल, दैट इज अ पॉलिटिकल इशू, राइट। बट हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इज मिसयूज्ड फॉर पॉलिटिकल एंड्स, दैट इज द चैलेंज फॉर यूपीएससी, राइट। So the governor can be removed from office at the pleasure of the union government, basically the president, but wo sunta hi council of ministers ki, right? The governor is secure in the knowledge as long as they do as they are told by the union government, they will continue. To uski naukri kis pe nirbhar hai governor ki? Union government pe. Nikalte wo hai to wo sunta unki hai, state walon ki sunta nahi. So has any efforts been taken to solve the tussle? Ab challenges mains ka answer aisa hota hai, introduction 163 article, चैलेंजेस, फिर जो सरकार ने किया है, फिर क्या होना चाहिए, दैट इज मेंस का आंसर, बेसिकली इंट्रोडक्शन। सही है, सही चल रहा है, नो प्रॉब्लम। सो इंट्रोडक्शन इज जो 163 में गवर्नर का रोल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ब्ला ब्ला, प्रॉब्लम कहाँ से आई 200, फिर चैलेंजेस दे दिए, फिर सरकार ने इसके लिए क्या किया है और होना क्या चाहिए, और कंक्लूजन एंड बाय बाय। दिस इज हाउ यू गेट रैंक वन। रैंक वन में तो बहुत सारी चीजें हैं कि भाई हेल्थ सही रहनी चाहिए, पेपर पूरा होना चाहिए, बट कंटेंट वाइज दिस इज द एंड ऑफ इट, राइट। सो एफर्ट्स क्या करे गए हैं जी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, इसे ARC बोलते हैं कॉमन यूपीएससी पैरलांस में, है ना। ARC 1968 में प्रेजिडेंट्स रूल में बोला था दैट रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर रिगार्डिंग द प्रेजिडेंट्स रूल has to be objective and also the governor should exercise his own judgment in this regard. Governor report बना के दे सकता है ना कि संविधान के हिसाब से state नहीं चल रही, आप rule ले लो, इनको हटा दो, president rule लगा दो 6 महीने के लिए या साल के लिए या 3 साल के लिए, right? So that report has to be objective. Objective means what? कि कोई ना कोई solid ground होना चाहिए, evidence होनी चाहिए भी क्यों सरकार constitution के हिसाब से नहीं चल रही। You do not have to just get rid of the popularly elected government. लोगों ने वोट दिया है, वो जैसे मर्जी चलाएं, उनकी मर्जी है, but within the boundaries of the constitution. So governor should make a report, can make a report, but should be based on objective criteria, solid grounds, है ना। Then राजा मन्नर कमेटी आती है जी, कमेटियों की कई बार पूछ लेते हैं which committee is related to what? मेंस में काम आ जाता है कि इसने क्या कहा था, रिपोर्टें हैं 500-500, 900-900 पेजों की, सारी पढ़नी है पढ़ लो, पर अगर सारी याद भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर यूपीएससी, आप नोबेल प्राइज जीतो। तो आई हैव गॉट यू द पॉइंट्स रेलेवेंट टू द टॉपिक ओनली, राइट। सो राजा मन्नर कमेटी ने बोला, राजा मन्नर कमेटी स्ट्रेस्ड दैट गवर्नर ऑफ द स्टेट शुड नॉट कंसिडर हिमसेल्फ एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर बट प्ले हिज रोल एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। दो रोल प्ले करना है गवर्नर, एक तो एजेंट ऑफ द सेंटर है कि संविधान के हिसाब से चले स्टेट, बट हेड ऑफ द स्टेट भी तो है कि स्टेट जो करना चाहती है वो तो हो जाए। सो ही सेज, राजा मन्नर सेज दैट वी शुड बैलेंस, द गवर्नर शुड बैलेंस बोथ द फंक्शंस,
He's a constitutional post. He is not an employee of the center. Right? So hence, further ji, Sarkariya Commission ne bahut zyada detail mein bataya hai isko. Recommendations in 1983. Ki jab hung assembly ho jaye. Ye dekho, date 1975 ke baad kyun? 1975 was considered the darkest hour of Indian democracy. जब इंदिरा माँ बोलती हैं, क्या बोलती हैं? ये रहा इंडिया, इंडिया एंड ये रही इंदिरा. तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया. तो जो मैं कहूंगी वो ये मानेगा. 1975 में जो इनके खिलाफ बोलता था उठा के अंदर डाल देते थे. ऑल द बिग लीडर्स, अटल बिहारी जी है ना, वाजपेयी साहब, एंड ऑल द ऑपोजिशन लीडर्स वर पुट इन प्रिजन. जयपुर के कहा जाता है कि खान पैलेसेस में से सारा सोना निकाल लिया. राहुल गांधी को सोने के बिस्किट खिलाते थे. वो दिमाग सोना चांदी वाला हो गया. मतलब दैट मींस ही इज ग्रोइंग विद टाइम. ही टेक्स टाइम, राइट? इट इज वेरी गुड न्यूज दैट द ऑपोजिशन इज ग्रोइंग बेटर. डिफरेंटिंग कैपेसिटी है 99 सीट्स आई है. आई वुड वॉन्ट की 150 सीट्स आए. ऑपोजिशन स्ट्रांग रहेगी तभी डेमोक्रेसी चलेगी. है ना, इफ देर इज नो ऑपोजिशन देन इट बिकम्स अ डिक्टेटरशिप, राइट? सो इसके बाद जब 1975 में इंदिरा माँ जी बोलती हैं कि मैं ही इंडिया हूं और कोई रेलेवेंट है ही नहीं, तो पहली क्लास ऑफ पॉलिटी याद करो. जब इसने सोच लिया कि मैं ही राजा हूं, सारे हक राजा के हैं, तो प्रजा ने क्या करा इसको? एक तो इलेक्शन भी हरा दिया और जो नहीं करना चाहिए था मार भी दिया. एंड 2019 में भी एक आदमी को ऐसा लगा था. इसने इतना नजायज नहीं करा 2019 से 24 तक. करा नजायज, ईडी को मिसयूज करा, सब कुछ करा, थोड़े से हक प्रजा के लिए. तो प्रजा ने क्या करा? 400 पार को 240 कर दिया. सो इंडिया इन अ वे हैज प्रूव्ड दैट वी आर असेंशियली एंड एक्चुअली डेमोक्रेटिक. आप जिंदगियों में भी सीख लेना अपने आप को फन्ने कहा नहीं समझना, राइट? आई हैव दिस एटीट्यूड. आप लोग अलग अलग ग्रेजुएट्स हैं. कोई साइंस का ग्रेजुएट है, कोई आर्ट्स का ग्रेजुएट है, कोई इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएट है. आई लर्न योर सब्जेक्ट फ्रॉम यू, आई डोंट माइंड, राइट? आई हैव माई ओन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन. इस लाइन में मुझे ज्यादा पता होगा, बट हो सकता है आप लोग जैसे कंप्यूटर वंप्यूटर चलाना मुझे लोग सिखाते हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड क्लास हो सकता हूँ मैं. So hence we must inculcate this democratic mind. It is not about GS2 only, it is about GS4 as well. And not paper only, it is about life as well. Zindagiyon mein apne aap ko hero nahi samajhna. Ek bahut bade philosopher, one of the biggest philosopher said, I am intelligent because I know that I don't know. Mujhe pata hai ki mujhe nahi pata, isliye main samajhdar hoon. Aur jitna mujhe aur pata lagta hai, द मोर आई गेट टू नो द मोर आई नो दैट आई डोंट नो. जितना मुझे और पता लगता है, मुझे पता लगता है कि मुझे तो बिल्कुल नहीं पता. सो द एक्सटेंट ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग इज सो मच दैट नो सिंगल पर्सन कैन क्लेम मोनोपोली ओवर नॉलेज. दैट्स व्हाट आई डोंट डू एवर, है ना? यू शुड नॉट डू विद योर लाइफ, ओनली देन यू विल प्रोग्रेस. नहीं तो हर मौके पे कोई आपको सिखाने की कोशिश करेगा और आप ईगो में बोलोगे तू क्या सिखाएगा, मेरी तौहीन हो जाती है. अरे भाई, तौहीन नहीं होती किसी से सीखने में. डोंट आई लर्न ऑपरेटिंग दिस फ्रॉम यू फ्रॉम एवरीबडी, राइट? सो कीप दैट एटीट्यूड. सो ये सरकारिया कमीशन की जो रिकमेंडेशंस है ना, दिस इज बेटर सो कवर्ड इन द प्रेसिडेंट क्लास वेयर वी कवर्ड प्रेसिडेंट्स रूल. ये बेसिकली वो बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगाना कब जायज है, कब नाजायज है. सो वी नीड अ कॉन्टेक्स्ट फॉर दैट. We'll read it there. Right. Then SR Bommai judgment is very, 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 very important for this year's mains. Why? Not only in this context. Babri Masjid ka mudda hua tha. Babri Masjid hata karke wahan Prabhu Shri Ram aaye hain, as Modi ji said. So, us mudde mein, us judgment mein, ye judgment court ki gayi thi. SR Bommai judgment was used as a precedent by the Supreme Court for deciding the Babri Masjid case. Precedent is purani judgment ka reference lena, hai na? President ni presi, priest. This is precedent.
जो लीगल बैकग्राउंड से वो समझता भी होगा, प्रेसिडेंट, राइट, इस जजमेंट को यूज करा गया। तो गवर्नर कंटेक्स्ट में कहां काम आती है, ये प्रेजेंस रूल की बात कर रही है। प्रेजेंट रूल की बार 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 बात क्यों आ रही है, बिकॉज इंदिरा मां ने बोला था जिस दिन वो इलेक्ट हो गई, अब सेंटर में, जैसे सेंटर में बीजेपी है, तो उन्होंने क्या करा, जिस भी स्टेट में कोई और सरकार है उसको प्रेजेंट रूल लगा दिया। भावना ये मारा कि सेंटर में वोटिंग से हम आए तो सारे देश का विश्वास कांग्रेस में है, जो भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स हैं दे आर एंटी पीपल। तो प्रेसिडेंट रूल को एक एक्सेप्शन बताया था लिखने वाले अंबेडकर साहब ने कि दिस टूल वुड बी स्पेरिंगली यूज्ड, यूज करेंगे ही नहीं, और वही सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है। हेंस देयर हैव बीन वेरियस कमिटीज रिकमेंडिंग, जजमेंट्स रिकमेंडिंग, राइट। सो एसआर बोमई जजमेंट बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्लासिफाइड द इंस्टेंसेस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इनटू फोर हेड्स। कब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही उसके फोर हेड बता दिया, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया, किसी के पास मेजोरिटी नहीं है, राइट, इंटरनल सबवर्जन हो गई है, आपस में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है विद इन दी हाउस, पैसे ले दे के करप्शन करके काम चल रहा है, फिजिकल ब्रेकडाउन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लोग जैसे श्रीलंका में हुआ, प्रेजिडेंट के घर के अंदर जाके स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, प्रेजिडेंट भाग गया वहां से देश छोड़ के, श्रीलंका में हुआ ना अभी ऐसा, द प्रेजिडेंट लेफ्ट द प्लेस। सो हेंस फिजिकल ब्रेकडाउन, देन नॉन कंप्लायंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात ही नहीं मान रहे, वो बोल रहे हैं हमारे यहाँ से ट्रेन जाने दो, ये बोल रहे नहीं जाएगी, हम पुलिस वाले खड़े कर देते हैं। पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, पुलिसिंग, पुलिस जो है ये स्टेट की है, ये सेंटर की नहीं है, सेंटर की अपनी अलग पुलिस होती है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इज सेंटर की पुलिस, जो नॉर्मली आप एक खाकी वर्दी वाले जट एंड जूलियट देखते हैं ये स्टेट के हैं, देखा होगा पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, इंडिया पुलिस तो कहीं नहीं लिखा होता। तो हेंस दीज आर स्टेट के सब्जेक्ट्स। टू द डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर, बड़े भाई की बात ही नहीं मान रहा है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट। देन द वर्डिक्ट अलाउज द सुप्रीम कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट क्लेम्स ऑफ मैलाफाइड इन द गवर्नर्स रिपोर्ट। गवर्नर ने रिपोर्ट बना के भेज दी कि प्रेजिडेंट रूल लगा दो, तो उसमें अगर कोई मैलाफाइड होगा, कोई गलत इंटेंशन होगी, तो सुप्रीम कोर्ट उसे जांच कर सकता है। दिस इज व्हाट दे हैव सेड इन एसआर बोमई जजमेंट, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। वी हैव नॉट कवर्ड पॉलिटी राइट नाउ, सम थिंग्स माइट बी गोइंग ऊपर से, बट अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ द थिंग्स। यू आर सपोज टू डू इट थ्रू आउट द ईयर, राइट। फॉर सम इट माइट बी कि मैं पहली बार आया हूँ यार, आप पता नहीं क्या क्या बोली जा रहे हो, बट मुद्दा स्ट्रक्चर समझो, कंटेंट ना सही वो खाने भर दूंगा मैं, है ना। अगर हमने फाउंडेशन एंड वे देख लिया, चल तो आप लेंगे, सही जी। देन पंची कमीशन रिपोर्ट 2007 में ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन सेड दैट गवर्नर शुड इनवाइट द लीडर ऑफ प्री पोल अलायंस कमांडिंग लार्जेस्ट मेजोरिटी और लार्जेस्ट सिंगल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन केस नो प्री पोल अलायंस और नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी। अब जैसे 240 सीटें हैं, अभी तो एनडीए प्री पोल अलायंस था, पहले से पता था एनडीए इकट्ठे लड़ेंगे, तो उनके पास तो आ गई 300 से ऊपर, 272 क्रॉस कर गए, अब तो उन्हें बुलाना है। बट अगर ऐसी कोई पार्टी ना होती, कल्ली बीजेपी 240, कल्ली कांग्रेस 99, और लेट से नीतीश बाबू 16-17, ममता दीदी 29, राइट। सो इस केस में किसको बुलाते जिसकी 240। दिस इज व्हाट पंची कमीशन सेड, कि प्रेजिडेंट रूल ना लगाओ, सबसे बड़ी पार्टी को बुला लो, क्या बताओ मेजोरिटी प्रूफ कर दे, सही। देन व्हाट रिफॉर्म्स मेजर्स कैन बी टेकन, क्या सरकार कर चुकी है और क्या होना चाहिए। सो जुडिशियल इंटरवेंशन को अलाउ कर दो, सुप्रीम कोर्ट कैन कंटिन्यू टू मॉनिटर द कंडक्ट ऑफ द गवर्नर्स, कि अगर कोई गलत करेगा तो सुप्रीम कोर्ट आ जाए। बट इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ओवररीच कर लेगा, हर जगह ही नानी की तरह पहुंच जाएगा, राइट। कपड़े नहीं पहनने, ये नहीं, गर्मी है, सर्दी है, ये खा वो खा, द एग्जाम्पल्स आर जस्ट फॉर लर्निंग, राइट, नेवर माइंड कि नानियाँ आ जाए सबकी कि हमें कैसे बोला, दैट शुड नॉट हैपन, राइट। देन रिफॉर्म द करंट अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल प्रोसेस। प्रॉब्लम तो गवर्नर की वही थी ना, कि अपॉइंटमेंट कर रहा है सेंटर, रिमूव कर रहा है सेंटर, वो हेड ऑफ स्टेट है, तो इसको चेंज किया जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड टू चेंज द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ गवर्नर्स एज सजेस्टेड बाय ऑथर्स ऑफ हेड्स हेल्ड हाई
इसको याद करने की जरूरत नहीं है. दिस कैन इन्वॉल्व अ मोर ट्रांसपेरेंट एंड कंसल्टेटिव मैकेनिज्म सच एज कोलिजियम सिस्टम, कि जो सीएम साहब हैं स्टेट के उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर के साथ बिठा दो, तो साथ में डिस्कशन करके बंदा रख लेंगे. क्या दिक्कत क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चलवाना है तो डिस्कशन करके बंदा रख लो, एटलीस्ट उसकी राय तो ली जाएगी. बाद में ऐसा तो नहीं निकलेगा आदमी, राइट? सो द रिमूवल ऑफ गवर्नर्स कैन ऑल्सो बी मेड मोर डिफिकल्ट, कि गवर्नर को भी पता हो यार मुझे आसानी से निकाला नहीं जा सकता. अब जजेज और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ट्रांसपेरेंट क्यों दे पाते हैं, इम्पार्शियल क्यों दे पाते हैं? चाहे रखा प्रेजिडेंट, निकाल नहीं हो सकता. पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, इंक्वायरी बैठेगी दूसरे हाउस में चाहिए, फिर जाके रिमूव होगा, हो ही नहीं सकता रिमूव. तो ही नोज कि मेरा दाल फुल्का तो पक, बेसिक नीड क्या है, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन. फॉर रिप्रोडक्शन ही डजंट नीड द गवर्नमेंट सपोर्ट, बट फॉर न्यूट्रिशन ही डज. सो उसे पता है कि मेरी नौकरी पक्की है, मैं अच्छे से काम करूं, राइट? सो हेंस उसका रिमूवल डिफिकल्ट कर दो. देन ग्रांट हिम अ प्रेसिडेंट लाइक स्टेटस, मेक द गवर्नर अकाउंटेबल टू स्टेट लेजिस्लेचर. प्रेसिडेंट स्टेट, प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू हूम? एडम, प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, स्पेसिफिकली लोकसभा. सो दादाजी पापा को रिस्पॉन्सिबल है, पापा लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल है, और लोकसभा जनता को रिस्पॉन्सिबल है. सो अल्टीमेटली सॉवरेन कौन है? जनता. जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल लोकसभा, लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, राइट? सो सिमिलरली गवर्नर को भी तो रिस्पॉन्सिबल बना दो, डिस्क्रिशन हटा दो. दैट गवर्नर कैन बी इम्पीच्ड इन द सेम वे एज द प्रेसिडेंट, रिमूव्ड इन द सेम वे एज द प्रेसिडेंट, रादर देन एक फोन किया कल से तू गवर्नर नहीं है. तो बढ़िया, उन पे भी इंक्वायरी बैठाओ ना, कि उसे भी पता हो. देन मेक हिम और हर एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इनका भी इलेक्शन प्रोसेस कर दो जैसे प्रेसिडेंट साहब का है. इलेक्टोरल कॉलेज बनाओ, इलेक्ट कराओ. जब इलेक्ट कराओगे तो वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, फिर उसको जितनी मर्जी पावर दो, राइट? सो दैट्स द आइडिया. Make him impeachable, removable, removal process present जैसा कर दो. So these are the suggestions we may have. What is the conclusion then? So the discussion on the role of governors in India underscores the need for a nuanced, इसकी ना conclusion की tone देखनी है. देख पा रहे हो ना सारे? Visible? खोए हुए लग रहे हो कहीं, समझ आ रहा है क्या हो रहा है? सही है सब? Okay. So कंक्लूजन की ना टोन देखनी है आपने, कि ये ऑफिशियल टोन होती है. हम लोग यूजुअली, मैंने आंसर राइटिंग में देखा, हम स्कूल कॉलेज से पढ़ के आए ना, तो हमारी वो टोन बच्चों वाली हो जाती है. ब्यूरोक्रेटिक टोन चाहिए हमें बस. अंग्रेजी सबको आती है लगभग, मेरे को छोड़ के, है ना? बट द टोन डिफर्स. सो यू शुड हैव अ व्यू कि लिखा कैसे जा रहा है ऑफिशियली, है ना? The discussion on the role of governors in India underscores the need for a nuanced reform, while outright abolition is deemed imprudent. Samjhaunga, don't worry. Proposals for the transparent appointments, increased accountability, and limited discretionary powers have been put forth. Striking a balance between state and central interest is crucial for ensuring effective functioning of governor's house without undermining the democratic process. So basically, आपने छोटे में क्या करा? अपना सारा वे फॉरवर्ड यहां डाल दिया छोटे में, और लास्ट में अच्छी सी बात कर दी, हाई प्रिंसिपल ले लिया. दिस इज हाउ कंक्लूजन्स आर फॉर्म्ड. साथ साथ आंसर राइटिंग भी देखते चलो. ये बड़े बड़े वर्ड फेंकने आ जाएंगे, 10-20 वर्ड ही हैं, कॉपी बना लेंगे हम इसकी, है ना? डेमोक्रेटिक प्रोसेस बोलना है, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन बोलना है, 25-30 बातें ऐसी, कोई बड़ी बात नहीं है. अभी लग रहा है ना बहुत मुश्किल है नहीं, बिल्कुल नहीं है. 10-20 वर्ड ही आते हैं ऐसे मार्केट में हर कंपोनेंट के, मल्टी फैसेटेड, ये नुआंस रिफॉर्म तो चलो, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, कीवर्ड्स की हम लोग आपको लिस्ट दे देंगे, अखबार से बनाते चलो, है ना? सो वेरी सिंपल, दिस विल कम इन हैंडी, बट यू शुड नो द टोन. सो वी हैव कवर्ड दिस फर्स्ट टॉपिक. दूसरे पे जाने से पहले व्हाट्स द आइडिया, तो वी हैव सीन ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ इट. हेंस व्हाट आर यू सपोज टू डू नाउ?
जहां भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं या पढ़ेंगे वहीं गवर्नर के टॉपिक में हाईलाइट दी 163 एंड 200 एंड के टेक अ स्मॉल नोट ऑन दी वे फॉरवर्ड इश्यूज एंड वे फॉरवर्ड कि अलग नोट्स ना बन जाए, है ना, अलग नोट्स बने तो वो रिवाइज नहीं होंगे और रिवाइज ना हुए तो क्या होगा, पढ़ा तो था, ये नहीं होना चाहिए. सो कैन आई नाउ कवर अ टॉपिक लाइक आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट रीड द पीडीएफ, है ना, दिस वाज व्हाट वाज एक्सप्लेन्ड वाज इन द कॉन्सेप्ट. सो फ्लड्स में, फ्लड्स इज प्राइमरली अ ज्योग्राफी का टॉपिक और एनवायरनमेंट का टॉपिक. इंडिया में करंट सिचुएशन क्या है फ्लड्स की, इंडिया में करंट सिचुएशन में सबसे ज्यादा आने वाला डिजास्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर टॉपिक है, सबसे ज्यादा आने वाला डिजास्टर फ्लड है, खासकर असम के एरिया में, वहां पे ब्रह्मपुत्र नदी है और वो यंग स्टेज ऑफ नदी, अभी भी पहाड़ से उतर के आई है स्वीट 16 वाली एज में, तो अभी उसे समझ नहीं आता कहाँ जाना है, यहाँ ठोकरे खाती है वहां ठोकरे खाती है ना. सो उस नदी करके बहुत ज्यादा फ्लडिंग है असम वाली साइड में, वो तो हो गया ज्योग्राफिकल कॉज. देन ड्यू टू अर्बन एरियाज और लेट्स से मैन मेड कॉजेस, फॉर एग्जाम्पल हम कहीं भी जाके बिल्डिंग बना दे रहे हैं, आपने देखा होगा आसपास कभी अपने गांव में या शहर में नदी जब बहती है मानसून के बाद सर्दियों में या गर्मियों में पहले मानसून से बहुत छोटा सा पाथ हो जाता है. लेट्स से नदी इतनी बड़ी बह रही थी मानसून में, यहाँ सारी जगह पानी था, जब गर्मी आ जाती तो इतनी सी नहर सी रह जाती है, ये मिट्टी बन जाती है ना, लोग यहीं पे घर बना लेते हैं झुग्गियां, यहाँ पे पूरे पूरे शहर बन जाते हैं. जब मानसून आता है फिर नदी बड़ी होती है तो बोलते फ्लड आ गया, तो ये नदी की गलती है कि हमारी गलती है, तो अनप्लान्ड डेवलपमेंट. और ऊपर से अभी आपने देखा होगा मानसून सारे 15-20 साल के तो है ही है, है ना, सो नहीं वो अपीयर क्वाइट यंग एवरीबडी. सो पहले मानसून आता होता था यार, जब मानसून का सीजन था 2-3 हफ्ते बारिश आती थी रोज डेली, थोड़ी 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 बूंदाबांदी. अब कैसे बारिश आती है, एक घंटे में आई, शहर डूब गया, गाड़ियां ऐसे तैर रही हैं इधर उधर, बस उसके बाद बंद, है ना, ऐसे ही हो रहा है. सो वाई क्लाइमेट चेंज, फ्रीक्वेंसी ऑफ इराटिक मानसून हैज इंक्रीज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, प्राइमरली ग्लोबल वार्मिंग, राइट. सो देर आर many things to be discussed over here. What is a flood? जब land area में पानी आ जाता है, inundate हो जाता है सारा area, right? डूब जाता है शहर, right? Then what are the causes? The causes can be natural, can be man-made, right? Then one of the primary causes is climate change, unplanned development. बेस्ती नहीं करनी है, geography की कम बेस्ती करनी है कि ब्रह्मपुत्र की गलती है. बेसिकली तो ब्रह्मपुत्रा और कोई भी नदी पहाड़ों से आ रही है, साथ में मिट्टी ला रही है, सेडिमेंट्स ला रही है. सो दीज यंग रिवर्स जस्ट लाइक यंग ह्यूमंस, लेट्स नॉट से फीमेल्स ओनली, यंग ह्यूमंस कीप ऑन चेंजिंग देयर पाथ्स. अभी हो सकता है आप में से भी कोई सोचा यार ये तो मुश्किल है, एमए कर लेते हैं, एक दो अटेम्प्ट बाद सोचो यार छोड़, स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन. सो यू कीप ऑन मीएंडरिंग. तो वैसे ही नदी में होता है जी, मिट्टी लाई, थोड़ी सी मिट्टी जमा हो गई, लेट्स सी आई थ्रो वाटर ऑन दिस फ्लोर, इट विल गो स्ट्रेट, बट जब चेयर से टकराएगा तो उधर से घूम जाएगा. तो सिमिलरली द रिवर चेंजेस पाथ, जहां पे घर था वहां पे नदी आ जाती है. सो फ्रीक्वेंटली चेंजिंग पाथ, ज्योग्राफिकल रीजंस भी है, बट हमने मैन मेड ज्यादा लिस्ट करने हैं, फिर उसके सोल्यूशन देखने हैं. एंड अर्बन फ्लडिंग इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दिस, बिकॉज अर्बन एरियाज आपने देखा होगा शहर में आते ही गर्मी बढ़ जाती है, जब गांव गांव आता है आसपास पेड़ पौधे होते हैं गर्मी कम होती है. सो एक तो अर्बन हीट आइलैंड बना ली हमने, उसमें एरेटिक मानसून भी ज्यादा कर लिया, और इतना बुरा हाल है कि जब बारिशें आती हैं तो हम डूब जाते हैं, जब गर्मी आती है तो हम प्यासे मर जाते हैं, राइट. सो ड्रेनेज सिस्टम हमारा सही नहीं चलता, दिल्ली में तो इतना बुरा हाल है ना, गटर से पानी अंदर जाना चाहिए, बारिश आती तो गटर से पानी बाहर आ रहा होता है. Don't go to that old Rajinder Nagar road in the monsoon. I once upon a time risked it. रोजना हम लोग मेट्रो में ट्रेवल करते थे, गाड़ी में नहीं जाते थे कि कितनी भरी भरी सड़कें हैं, थोड़ी सी बारिश आ रही थी, I thought आज गाड़ी में चलते हैं.
गाड़ी चला के पार्क करके 2 घंटे की क्लास लेके व्हेन आई केम आउट, सिर्फ 1-1.5 घंटा बारिश हुई थी। एक तो वो रोड लोअर साइड पे है, गटरों से पानी बाहर आ रहा है, तो ऐसे लगा सारे दिल्ली का पानी बाहर आ रहा है वहीं आगे। तो गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी पड़ी, जस्ट पीछे वाली गाड़ी को ऐसे पानी में किया, मेरी गाड़ी तैर पड़ी। तो हम तैर रहे हैं, आगे लाल लाइट है, सारे रुके हैं, आगे लाल लाइट से आगे जो डिवाइडर पे ऐसे करके रोका हुआ है वो चला, तो सारी नावें पीछे चल पड़ी। एंड एक बार ऐसा भी काम हुआ कि पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, आगे गाड़ियां रुकी हुई हैं, हम अंदर फंसे हुए हैं। 5 मिनट और रुकते तो आई वुडंट हैव बीन, बिकॉज जब पानी भर रहा है तो आप दरवाजा नहीं खोल सकते। एंड वी वर 2 men इन द कार, वी वर प्लानिंग शीशा तोड़ के निकलेंगे कि ये इंजन के नीचे से घुस जाएंगे, कोई इमरजेंसी एग्जिट होता है कि नहीं। देन आई डिस्कवर्ड कार में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं होता, बस में, ट्रेन में होता है, फ्लाइट में होता है। ये सजेशन देना अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग घर से आता है, यार कार में भी इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन अर्बन एरिया। अर्बन फ्लडिंग इज वन ऑफ द वर्स्ट हैपनिंग्स इन दिस कंट्री। हमने देखा चेन्नई में फ्लड्स आ रहे हैं, मुंबई में फ्लड्स आ रहे हैं। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू इट, दैट इज वेयर मेंस कम्स इन हैंडी, है ना। सो इसके साथ सॉल्यूशंस में कीवर्ड्स आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल स्पॉन्ज सिटी। अब आपने देखा होगा जब अगर बिल्डिंग पे बारिश पड़ेगी तो पानी नीचे गिरेगा, बट उसकी जगह अगर ग्राउंड होता तो वहीं पे खड़ा हो जाता और ग्राउंड से धीरे धीरे चूस लेता। जब बचपन में क्रिकेट खेलते होते थे तो ग्राउंड अगर बारिश आ जाए 5-7 दिन गीला रहता था, अभी थॉट यार ये बुरी बात है। तो हमने क्या करा, सारे ग्राउंड हटा के, पार्क हटा के सीमेंट की सड़कें बना दी, सीमेंट का कंक्रीट जंगल बना दिया, एब्जॉर्प्शन पार खत्म हो गई। सो नाउ वी शुड रीजुविनेट सिटीज एंड मेक देम स्पॉन्ज सिटीज। छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाओ, पार्क्स बनाओ विच कैन एब्जॉर्ब वाटर। आई डोंट अंडरस्टैंड चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे भले फुटपाथ थे उनपे अच्छा भला छोटा छोटा घास होता था, और ये इतनी इतनी सी टाइलें देखी है जो आजकल फुटपाथ पे बनी है। एक तो वो ये पानी नहीं अब्सॉर्ब कर रही, और जब फुटपाथ पे होती है ना, कभी एनीबॉडी बिलोंग्स टू इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ओवर हियर, होने चाहिए, कोई नहीं है, ऐसा कैसे हो गया। सिविल इंजीनियर कोई है यहाँ पे, सेफ्टी इंजीनियर। जब आप पाथ पे, अगर चलने वाले पाथ पे, पब्लिक पाथ है बहुत लोग चलेंगे, तो जब उस पर कोई चीज लगाते हो ना, टाइल या समथिंग, उसको बड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट एवरेज फुट साइज से डबल होना चाहिए, नहीं तो हमेशा टेढ़ी और खड़ी होती रहेगी। सो ये छोटी छोटी टाइलें सारे पाथ पे लगा दी, क्यों लगी हैं पता है? पॉलिटिकल कनेक्शंस हैव फैक्ट्री ऑफ दीज टाइल्स, तो जो भी MPLED वर्क में फंड आएगा उसके लिए टाइलें लगेंगी। अगर कोई वो टाइल फैक्ट्री वाले का भाई बहन है तो आई डोंट केयर, दिस इज द रियलिटी, वो टाइलें वहीं से बनेंगी और सारे शहर में लगनी है। इस कमरे में टाइल लगवाने का खर्चा मेरे ख्याल 50,000 होगा, है ना, तो पूरे शहर में कितना होगा, और वो पैसा कहाँ जाएगा? तो आप बताओ किकली कलीर और बुरी हालत किसकी है, शहर की, कि पैसे पढ़ा लिखा शहर है। सो वी मस्ट सॉल्व दिस सिचुएशन लाइक दिस, क्रिएट स्पॉन सिटीज। ये कीवर्ड्स जैसी चीजें ना, ये नोट डाउन कर लेना, आपने एक सेपरेट डायरी लगा लो, GS1, GS2, GS3, GS4, हर किसी टॉपिक के साथ। फ्लडिंग आपके सिलेबस में दिया है, फाउंडेशन ऑफ प्रिपरेशन इज सिलेबस, तो जहां पे भी ये ज्योग्राफिकल फिनोमेना जस्ट लाइक फ्लडिंग, फ्लडिंग के साथ एड ऑन कर लेना, नोट्स में लिख लेना कि ये मेरा कीवर्ड है, आएगा फ्लड का क्वेश्चन तो मैं ये लिखूंगा, हेंस दिस टॉपिक। अब इसको क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। असम फ्लड आ गया 2024 जुलाई में, राइट। व्हाई आर फ्लड सो रिकरेंट, दिस माइट बी द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, राइट। पास्ट ईयर में फ्लड पे ये सवाल आए हैं, राइट। देन इनंडेशन ऑफ लैंड एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स बाय राइज ऑफ वाटर इज फ्लडिंग, अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक्स फ्लड्स आर द मोस्ट डेवास्टेटिंग अमंग क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स इन इंडिया, राइट। ये काम आ जाता है कभी कभी, मोर देन 50% ऑल क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स फ्लड है, बट ये याद नहीं रहता फ्लड का कितना था, इसका कितना था। ये हैक जब मेन आंसर राइटिंग करेंगे बताऊंगा, ध्यान देना, इसने मोर देन 50 बोला, एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया, 57, 58, मोर देन 50, मोर देन 30 कभी भी लिख सकते हो आप, किसी के आंसर चेक करके उसको भी नहीं पता, है ना।
तो वो बाद में करेंगे, जो याद करने वाली चीजें हैं वो आई विल कीप ऑन अंडरलाइनिंग एंड टेलिंग यू कि इसको लिख लेना, राइट। इन इंडिया अराउंड 40 मिलियन हेक्टेयर एरिया इज फ्लडेड विच इज 1/8 ऑफ द टोटल एरिया, ये काम आ जाएगा बिकॉज ये चेंज नहीं होने वाला कि 40 मिलियन आउट ऑफ दैट इज 1/8, तो टोटल कितना हो गया मैथ्स वाले भाई, वो बताओ। 1/8 इज 40 मिलियन हेक्टेयर, तो टोटल 8 चौका 32 है ना, 8 4 32, सो 320 मिलियन टोटल है, उसमें से 40 मिलियन लगभग फ्लड प्रोन एरिया है, राइट। सो इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए देर आर वेरियस प्रोविजंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, नेशनल डिजास्टर रिलीफ प्लान। सो बेसिकली वेन एवर अ डिजास्टर हैपन्स, डिजास्टर को कवर करने का तरीका इज बेसिकली दिस, यू शुड फर्स्ट गो फॉर मिटिगेशन। कोई भी डिजास्टर है, फ्लड है, अर्थक्वेक है, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक पेज में नोट बन जाता है, 10-12 तरीके के डिजास्टर हैं, फ्लड, अर्थक्वेक, ये लैंडस्लाइड, इनमें होना क्या चाहिए, मिटिगेशन मतलब कि आए ना, है ना, कि फ्लड ना आए, आप भैया एम्बैकमेंट्स बना दो, जो नदी के रास्ते में कंस्ट्रक्शन है उन्हें हटा दो, देन उसके बाद क्या होगा, अगर आ गया तो व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स, व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स। आ गया तो अब क्या हो, अब पता ना ना, जब पता लगता है जी फ्लड आ गया, फ्लड आ गया, लोग भाग रहे हैं, कोई अचार के डब्बे पे तैर रहा है, पुलिस वालों को भी नहीं पता, तो देयर शुड बी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि फ्लड जिस एरिया में आता हो पुलिस वालों को जीप के साथ एक एक नाव भी दे दो, उन्हें बोट चलाना सिखा दो, अगर कम फ्लड आता है तो टायर दे दो हवा वाले जो स्विमिंग पूल में लगाते हैं, एटलीस्ट वो तो उन लोगों को बचा सकें। सो रिस्पॉन्स, देन रिस्पॉन्स के बाद क्या होगा जी, रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेट द पीपल, राइट। जो लोग इधर उधर हो गए, घर डूब गए, चंडीगढ़ में अबाउट 1995 और के आसपास फ्लड आया था, तब ना स्टॉक मार्केट के शेयर्स भी फिजिकल होते थे, कागज दे देते थे आपको शेयर की जगह। सो इवन हमारे घरों में 2-2, 5-5 लाख के शेयर बह गए पानी में, अब तो सब कुछ ऑनलाइन है ना, डीमटेरियलाइज, डीमैट अकाउंट्स है, उस टाइम फिजिकल होते थे, अचार वचार नमक वमक वो तो गया, बट ऐसे वैल्यूएबल सिक्योरिटीज भी चले गई और घर भी टूट गए अगर अर्थक्वेक होगा, सो रिहैबिलिटेट देम, राइट। सो दिस वे यू कैन फॉर्म अ वन पेजर नोट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, ऑल दो देयर टेक्निकल टर्म्स टू इट, एटसेट्रा, बट दैट विल डू। बट फॉर्मेट समझे क्या करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, NDMA की साइड पे जाओ, ये देखना है कि डिजास्टर कौन सा, डिजास्टर लेट से अर्थक्वेक, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज कौन से हैं इंडिया में, लिख लिए, उसके बाद इसका मिटिगेशन कैसे करना है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, इसका रिस्पांस क्या होना चाहिए, इसकी रिहैबिलिटेशन कैसे, मिटिगेशन रिहैबिलिटेशन एक्चुअली, बट एक पेज में पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट खत्म। अब ये 10 साल कोचिंग लगाने के बाद पता चले तो हमें पहले दिन क्यों ना पता चल जाए, दो दो मेंस बैच लगाने के बाद नहीं पता चलता, 500 पेज डिजास्टर मैनेजमेंट की बुक होती है और एक कोई दिखाने वाले IAS है ना, आंखों वाले विजन वाले दे देते हैं किताब 40 पेज में, जरूरत ही नहीं है, एक पेज की जरूरत है। एक क्वेश्चन आएगा, अर्थक्वेक्स कीप ऑन करेंगे इन इंडिया, क्वेश्चन देखो फ्लड्स पे क्या है, दिस इज अ पास्ट ईयर क्वेश्चन, व्हाई आर फ्लड्स सच रिकरेंट फीचर इन इंडिया, डिस्कस मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट, और इन इन व्हाट वे कैन फ्लड बी कन्वर्टेड इनटू सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन। तो ये सब कुछ आपके इस चार्ट में आ जाएगा, राइट। इजी रीड है तो कोई बड़ी बात, राइट। सो दीज आर दी मैनमेड कॉजेज, क्लाइमेट चेंज हो गया, अनप्लेन डेवलपमेंट हो गया, इसके एग्जाम्पल जरूर देख लेना, आंसर्स में ना एग्जाम्पल काम आते हैं, हर चीज के साथ एग्जाम्पल होगा, जब भी आप आंसर लिखते हैं पॉइंट एग्जाम्पल पॉइंट एग्जाम्पल पॉइंट एग्जाम्पल, ऐसे चलना,
नंबर मेंस में तभी आएंगे, राइट। सो देन इन 2015 द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द स्पेसिफिक स्पेशल कोर्ट फॉर एनवायरमेंट राइट हैड आस्क्ड अथॉरिटी टू आइडेंटिफाई एनक्रोचमेंट्स। बेसिकली आपने वनरेबिलिटी मैपिंग करनी है, वनरेबिलिटी मैपिंग। व्हाट इज वनरेबिलिटी मैपिंग? कि मुझे पता तो हो कि नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में फ्लड ज्यादा आते हैं एंड कॉर्नर्स पे गुजरात वगैरह में अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं, विदर्भा रीजन में ड्रॉट्स ज्यादा होते हैं, है ना। सो वनरेबिलिटी मैपिंग करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कौन से एरिया में कौन से डिजास्टर के लिए तैयार रहना है। तो एक तो वनरेबिलिटी मैपिंग कर ली कि कहाँ कहाँ आ रहा है, फिर रियल टाइम मॉनिटरिंग कर ली कि फ्लड आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा ना पानी, एकदम से तो कोई खाला जी थोड़ी आ जाएंगे एकदम से उड़ गया पानी, धीरे धीरे लेवल होता है। जब घर में फ्लड आया था तब ऐसा ही था, पानी ऊपर उठा। दैट टाइम आई वॉज अ वेरी लिटल किड, माई फादर वॉज स्लीपिंग, आई टोल्ड हिम पापा बाहर पानी ऊपर बढ़ रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे सिस्टम था। ही थॉट दोपहर का टाइम था, सो रहे थे, ही थॉट बच्चा वैसे ही तंग कर रहा है, सोने नहीं दे रहा, कहते तो कोई बात नहीं मैं पी जाऊंगा सारा पानी तुझा। फिर घर के जो जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वहां तक आ गया, मैं कहा पापा गाड़ी के टायरों में अब ना आइयो यहाँ पे। फिर तीसरी बार घर के पहले कमरे के अंदर तक आ गया, आई सेड अंदर आ गया है, बोलते भाग जाए यहाँ से, कुछ नहीं हुआ, अब अगर दिख गया तो लाते तोड़ दूंगा तेरी, ठीक है जी। सो रहे थे बेचारे थक हार के। सो उसके बाद अगली बार दरवाजा खटकता है उनका, वो मुझे गालियां दे रहे, तेरे को बोला था मता, कोई सुन नहीं रहा है। दरवाजा खोल के देखा तो बाहर पानी हो था, मैं नहीं था इस बार, मैं तो पानी में तैर रहा था, साइकिल था मेरे पास इतना सा, मैं तो साइकिल चला रहा था। सो दिस इज व्हाट हैपन, है ना। सो एट लीस्ट वी शुड नो दैट व्हाट इज हैपनिंग इन विच प्लेस। तो वनरेबिलिटी मैपिंग करो, कोई भी डिजास्टर हो पहले मैपिंग करो उसकी, फिर उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करो। रियल टाइम मॉनिटरिंग क्या, लाइव मॉनिटरिंग, की रोज कोई अथॉरिटी हो जो देख ले भैया गंगा में पानी ऊपर तो जा रहा, जय सुखना लेके अपनी चंडीगढ़ की, इसमें क्या होता है लेक है ना, बार बार मिट्टी 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 इकट्ठी हो गए, ये लैंड बन जाएगी अगर इसे ना डी ड्रज करा, इसकी मिट्टी ना निकाली। आपने देखा होगा यहाँ पे श्रम दान होता है, सिटीजन आर आस्क टू टेक आउट मड आउट ऑफ द रिवर लेक। लेक का नेचर है हर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म ना फॉरेस्ट बनना चाहती है, और जैसे हम सारे नेशनल हॉबी आईएएस बनना चाहते हैं, है ना, वैसे ही हर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, चाहे वो डेजर्ट है चाहे वो कुछ भी है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम अ फॉरेस्ट बिकॉज फॉरेस्ट इज मोस्ट डाइवर्स एंड मोस्ट स्टेबल, राइट। सो हर कोई स्टेबल होना चाहता है, वैसे लैंडफॉर्म स्टेबल होना चाहती है। सो लेक में होता है कि बार बार वो मिट्टी आती जा रही है पानी के साथ, रिवर के साथ, वो धीरे धीरे फॉरेस्ट बन जाएगी। अगर फॉरेस्ट बन गया तो सुखना लेक पे जो बच्चे घूमते हैं, है ना, 14 फरवरी को घूमते हैं, वो बंद हो जाएगा। तो मेंटेन इट, हेंस वी हैव टू मॉनिटर इट। सो कोई भी डिजास्टर आ रहा है उसको वनरेबिलिटी मैपिंग करके मॉनिटर करो, अगर आने लगा तो मिटिगेट कर दो कि आए ही ना, आने ही ना पाए, आ गया तो रिस्पॉन्स कर लो। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ एनी डिजास्टर। रीड द फ्लड डॉक्यूमेंट विद दिस सिस्टम एंड यू विल अरेंज योर आंसर्स इन अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल आइडिया, राइट। तो जस्ट अ मिनट, लेट्स डिस्कस दिस फैक्टर ऑफ फ्लड्स नेक्स्ट टाइम, पढ़ के आना जरूर, करेंगे डिस्कस डेफिनेटली, राइट। सो एवरीथिंग इज अरेंज इन दैट वे, द प्रॉब्लम, द चैलेंजेस, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, सही। अर्बन फ्लड, एज आई सेड, दिस इज द सेम प्रॉब्लम, ड्रेनेज प्रॉब्लम होगी, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम होगी, और सॉल्यूशंस में क्या आएगा, दी स्पॉन सिटीज एंड एनडीएमए रिपोर्ट्स। सो वील डिस्कस दिस। अब क्लाउड बर्स्ट, वेरी गुड टॉपिक, हर साल सवाल आता है ऐसा सा कुछ घुमा फिरा के। पहले तो बेसिक मुद्दा समझो, एक क्वेश्चन आया, क्लाउड थिनिंग इज रिलेटेड विद विच अमंग दी फॉलोइंग, मुझे भी नहीं पता था क्या होता है। यूपीएससी ऐसे सवाल बनाता है जो आम आदमी को लगता है कि ऐसे सवाल बनाओ कि कमजोर दिल वाले मर जाएं, बट
we don't understand. As I keep on proving that it is just a pizza with the same base and different toppings. कौन सा ऐसा यहाँ पे अवेलेबल मानव है जिसने क्लाउड सुना ही नहीं वर्ड कभी, जिसने पांचवी छठी में क्लाउड पढ़ा ही नहीं। क्लाउड थिनिंग तो मैंने भी नहीं पढ़ा था उस साल तक यार, वो डायरेक्ट हिट वाले झूठ नहीं बोलता मैं क्या है, मैंने कराया था भैया पेपर के बाद कराया, आपने पहले कराया तो आपके बच्चे पास हो जाते। तो क्लाउड तो सुना है ना, थिनिंग ना सही। तो क्लाउड क्या होता है? बादल। बादल क्या है बेसिकली? जैसे सर्दी में आपकी कार की विंडो शील्ड पे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर नहीं आ जाते, कंडेंसेशन। सो क्लाउड इज मैनिफेस्टेशन ऑफ कंडेंसेशन एट अ लार्जर स्केल, नथिंग एल्स। सो क्लाउड वही है जब आपके शीशे पे डॉट्स आ जाते हैं गाड़ी के, क्या करते हो आप? साफ करते हो या फिर और हवा भी तो चलाते हो नीचे, गर्मी है ना। So if you provide heat to the cloud, what happens? It disappears. So if you provide excessive heat to the cloud, it will disappear. So अब cloud thinning वाले question में ये था, cloud thinning is related with what? दो options ही relevant थे, बाकी तो बेकार थे। It is related with, I think it was global warming. And it was, I think the other option was, it is related with I think if I am not wrong airplane management. So cloud thinning kisse related ho sakta hai, aap log batao. Thin ho raha hai cloud, ye option shayad main bhul gaya hu, dekh lena paper mein. So artificial rain tha isme. Ab batao, cloud kya थिन होके बारिश ज्यादा करेगा कि फैट होके बारिश ज्यादा करेगा? बड़ी बाल्टी में ज्यादा पानी आएगा कि पतली बाल्टी में ज्यादा पानी आएगा? अभी मान के चलो बाल्टी है ये, क्लाउड बर्स्ट भी वैसे ही समझाऊंगा। बड़ी बाल्टी में ज्यादा पानी आएगा कि पतली में, बड़ी में? सो आर्टिफिशियल रेन नहीं होगा ये। दिस इज दिस। थैंक यू मैडम फॉर रिमाइंडिंग मी, आई फॉरगॉट द ऑप्शंस। सो एनी हाउ, सो अब इस क्लाउड को मान के चलो बारिश बाल्टी है। बारिश बेसिकली कैसे होती है? वेरी वेरी सिंपल, बट दिस इज अ मॉडल्ड अप्रोच। सच बताएं तो अभी तक इंसान को एग्जैक्टली नहीं पता बारिश टोटैलिटी में कैसे होती है। जो हमें पता है वो हम छठी क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब गर्मी होती है सो पानी वैपोरेट कर जाता है, पानी वैपोरेट करके जैसे जैसे ऊपर जाता है टेम्परेचर कम होता है तो कॉन्डेंसेशन हो जाती है। सो वहां वाटर वेपर्स न्यूक्लियाई पर किसी भी मिट्टी विट्टी पे जुड़ जाते हैं और वो धीरे धीरे इतने भारी हो जाते हैं कि ऊपर जाती हुई हवा उन्हें रोक नहीं पाती और वो पानी बन के नीचे गिर जाते हैं। दैट इज द सिंपल थिंग, राइट? इवेपोरेशन कॉन्डेंसेशन हैज टू फाइट द अपगोइंग एयर। सो अभी ऐसे मान के चलो हमारे पास एक बाल्टी थी, ड्रॉइंग पे मत हंसना, बोल देना बाल्टी है बस, ठीक है जी? बाल्टी थी, अब इसमें पानी भरा था, ये बाल्टी क्लाउड है, इसमें छोटी सी मोरी हो गई। अब बारिश ऐसे ऐसे पड़ रही है, अपना दो तीन मोरियां इसमें, बारिश धीरे धीरे पड़ रही है, नॉर्मल बारिश। अब एक समय ऐसा आया कि हमने इस बाल्टी को उल्टा कर दिया। तो जब बाथरूम में लास्ट में नहाते हैं, कभी पहले हम नहाते थे बाल्टी से, लास्ट में बाल्टी सिर पर डालते हैं, है ना? सो व्हाट हैपन, एकदम से रश ऑफ पानी होता है। सो क्लाउड बर्स्ट इज दैट। इट इज नॉट कि कोई धमाका होता है, कोई बम फोड़ देता है अंदर, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई बटन दबा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो व्हाट हैपेंस, बेसिकली व्हाट हैपेंस, ये बाल्टी में पानी था बहुत सारा था, उल्टा कर दिया उसे, राइट? सो हेंस व्हाई इट हैपेंस, क्लाउड जैसे बन रहे हैं, एयर राइज कर रही है, हमने देखा एयर इज राइजिंग एंड क्लाउड्स आर फॉर्मिंग। सो यहाँ पे बेसिक फिनोमेना में क्या होता है, जब क्लाउड में कॉन्डेंसेशन हो गई तो बारिश आने लग जाती है, एयर राइजिंग कम पावरफुल, भारी वाटर ड्रॉपलेट नीचे आ गया। बट कई बार कैसे होता है कि जो एयर राइजिंग है बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, द राइजिंग एयर बिकम स्ट्रॉन्गर। सो जो ड्रॉपलेट पानी की ड्रॉपलेट नीचे आना चाहिए,
वो नीचे आ ही नहीं पा रही, बल्कि एयर उसे और ऊपर ऊपर पुश करी जा रही है। सो क्लाउड एक एनविल शेप में बन जाता है। व्हाट्स हैपनिंग विद दिस? सो क्लाउड हमारा एक क्लाउड गायब भी हो जा रहा है। हेलो, सो क्लाउड एनविल, देखा आपने वो जो मोची के बजाते हो जिसपे जूता रख के, वो ऐसा सा शेप का होता है। दिस इज नॉट बाबा जी का ढुल्लू, दिस इज एनविल। सो क्लाउड वर्टिकली बहुत हाई बन जाता है, हेंस वो बाल्टी पूरी बन गई। तो एक समय ऐसा आता है कि इसका वेट अपगोइंग एयर से, प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, तो एक दम से एक ही जगह पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड क्लाउड बर्स्ट। व्हाट इज द फिनोमिनन? कि एनुअल क्यूमुलोनिंबस क्लाउड बोलते हैं इस वर्टिकली हाई क्लाउड को, नाम है करने को, डोंट वरी। क्यूमुलोनिंबस एनुअल टाइप का क्लाउड है, बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया, एकदम से बहुत ज्यादा पानी एक जगह पे गिर गया। दिस इज द फिनोमिनन ऑफ क्लाउड बर्स्ट, राइट? और इसकी एक डेफिनेशन भी है कि कितना पानी कितनी जगह में एक टाइम पे गिरा तो उसे बादल फटना कहते हैं। इंडिया में लद्दाख साइड में बहुत ज्यादा बादल फटते हैं, राइट? बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल फिनोमिनन प्रेजेंट ओवर देयर, हेंस। सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या है जी? एक्सप्लेन द मेन मेन अकरेंस होना चाहिए, मेन अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, लद्दाख बन जाएगा इस आंसर में, क्यों हो रहा है, क्या कंसेप्ट है, क्या इसका वे फॉरवर्ड है, वो हो जाएगा, राइट? देन क्लाउड बर्स्ट आर ऑफन एसोसिएटेड विद फ्लैश फ्लड्स। एकदम से बाल्टी उल्टी कर दी तो बाथरूम में क्या आ जाता है? फ्लड। और फिर हमारे जो बाल बचे होते हैं वो जाके नाली में भजाते हैं, है ना? प्रैक्टिकल नॉलेज है, सबको एक्सपीरियंस है। तो खास कर दी ह्यूमंस विद लॉन्गर हेयर, व्हाई आई से ह्यूमंस, समटाइम्स इवन मेन हैव दोस, डेमोक्रेटिक देश है, राइट? सो क्लाउड बर्स्ट में, व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट? एज आई सेड, रेफर्स टू एन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ रेन दैट हैपेंस इन अ शॉर्ट पीरियड, समटाइम्स अकॉम्पनीड बाय हेल एंड थंडर, है ना? IMD, Indian Meteorological Department, defines it as unexpected precipitation exceeding 10 cm per hour. 10 cm per hour over a geographical region of 20 to 30 square kilometer. So, kya hua ji? 10 cm per hour, per hour over 20 to 30 square kilometer. Right? Chota sa bathroom tha, apne balti nahi, puri tanki udal di uspe. इसमें लिटरली जैसे एकदम से ऊपर से टंकी गिरती है ना, तो मकान, इंसान, भेड़ बकरी ढह जाते हैं। फिर आप वीडियोस देखते हैं, लद्दाख में बादल फटा, साथ में अरमान भी फट गए। सो कहाँ फटा था जी लास्ट टाइम? केदारनाथ में 2013 में फटा था। एग्जाम्पल हर चीज के साथ होना चाहिए, नंबर एग्जाम्पल क्या है एक्चुअली? वाई? बिकॉज एग्जाम्पल इज द लैंग्वेज एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। That's why I try to teach with an example, and in the mains you are supposed to write an example, right? So impact से क्या होगा? ये छोटी बातें हो गई अगर concept समझ गए। This sudden discharge of rain leads to floods, including flash floods, landslides, etc. Flash flood क्या होता है? Anybody? Flood or flash flood? हाँ जी। Try it. There is no wrong or right answer. Exactly. कि धीरे-धीरे नदी ऊपर नहीं बढ़ी, एकदम से आया और गया, बहती हवा सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, है ना? मिला ही नहीं, कहाँ गया, सही? सो देन मैकेनिज्म, हाउ डज क्लाउड बर्स्ट अकर? वही क्यूमुलोनिंबस क्लाउड वाली बात बोली है, राइट? कि स्ट्रेच ऑफ वर्टिकल एयर ज्यादा है, उसकी वजह से ड्रॉप नीचे नहीं आ पा रही, वो ऊपर पुश हुई जा रही है। क्लाउड का वर्टिकल हाइट बहुत ज्यादा बन गया, और जैसे ही वो गिरा तो कहर आ गया, फ्लैश फ्लड आ गया, राइट? दिस इज द मैकेनिज्म। देन अब मॉनिटर या फोरकास्ट होना चाहिए, फोरकास्ट। टू मॉनिटर और फोरकास्टिंग द क्लाउड बर्स्ट, वी नीड टू हैव डेंस रेडार नेटवर्क ओवर द क्लाउड बर्स्ट प्रोन एरियाज। ये तो कर सकते हैं ना प्रेडिक्ट, कि नॉर्मली लेट्स से क्लाउड इस साइड तक होते थे और इतने से होते थे, एक क्लाउड बनी जा रहा, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो मार्स को भी टच कराया, इतनी दूर नहीं जा सकता, रहेगा एटमोसफेयर में ही, राइट? सो इतना लंबा अगर क्लाउड बन रहा है तो इसका थोड़ा सा पानी चुरा लो। हमारे यहाँ तो प्यासे लोग बन रहे हैं, करते क्या है बेसिकली, पानी चुराते नहीं है, इसमें हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियर प्रोवाइड कर देते हैं, जल्दी बारिश हो जाती है, मतलब कॉन्डेंसेशन में चिपकने की चीजें देते हैं, वो जल्दी बारिश हो जाती है, जैसे
ओले पड़ रहे थे, जिन्हें एक बंदूक बनाई, वो क्लाउड्स पे बंदूक मारते थे, मरता कोई नहीं था, बारिश हो जाती थी, ओले नहीं होते थे, हेल स्टॉर्म नहीं होता था. गुड आइडिया, दोस थिंग्स विल बी कवर्ड इन ज्योग्राफी, बट यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट राइट. माउंटेन रीजन आर मोर प्रोन टू क्लाउड बर्स्ट ड्यू टू ओरोग्राफी. ओरोग्राफी इज रेनफॉल कॉज ड्यू टू माउंटेन्स. बेसिकली रेनफॉल कैसे हो रही थी, वेपोरेशन हुई, हवा ऊपर गई, ऊपर जाके ठंडी होगी, एडियाबेटिक कूलिंग एक्सेट्रा वो छोड़ो, ऊपर जाएगी तो ठंडी हो जाएगी. अभी ये मान लो, ज्योग्राफी में बाकी समझा देंगे. सो अब हवा यहाँ से घूम रही थी, आराम से घूमती फिरती आ रही थी, इसे पहाड़ दिख गया, पहाड़ के ऊपर चढ़ गई. तो ओरोग्राफिक रेन इज कॉज ड्यू टू माउंटेन्स राइट. सो माउंटेन्स में एक तो गर्मी, अगर एवेपोरेशन तो हो रही है, बट ऊपर का पुश माउंटेन भी दे रहा है, तो हेंस माउंटेन्स में ज्यादा ऊंचे क्लाउड बन जाते हैं. और ऊंचे क्लाउड बनेंगे तो क्या होगा, ऊंचा दुकान, बादल फटा मकान. अब इसमें होना क्या चाहिए जी, मेंस में भी तो आंसर लिखना है. सो इंस्टीट्यूशंस मस्ट प्रोवाइड क्विक रिस्पॉन्स एट द टाइम ऑफ क्लाउड बर्स्ट. सेम देखो, फॉर्मेट समझो. मिटिगेशन के लिए आपने रियल टाइम मॉनिटरिंग कर दिया, रिस्पॉन्स में SOPs होने चाहिए. फिर जब क्लाउड फटने से लोग फट गए, उनको रिहैबिलिटेशन करना. सेम फॉर्मेट होगा, बस एग्जाम्पल डाल लेना और कुछ नहीं करना जिंदगी में. हेंस द पेपर इज वेरी वेरी सिंपल, हम लोगों ने उसे कॉम्प्लेक्स बना रखा है ना, क्योंकि लोगों ने दुकान भी तो चलानी है. अगर सबको समझ आ गया ये तो बड़ा सिंपल था, तो हमें कौन पैसे देगा, हमने भी तो रोटी खानी है. इसलिए कोचिंग वाला यूजली ऑल द कोचेस ट्राई टू क्रिएट एन ओ इन द क्लास कि यार मुश्किल है ये तो, बहुत मुश्किल है ही नहीं मुश्किल. डज एनीबडी फील डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यू आर एक्चुअली कुछ पहली बार मेरी क्लास में आया, द रूल इज नो क्वेश्चन इज स्टूपिड. यू आर ओनली स्टूपिड व्हेन यू डू नॉट आस्क अ क्वेश्चन फीलिंग यू विल बी पॉइंटेड आउट और यू विल फील स्टूपिड. जब तक आप लोग यहाँ पे एनरोल करके एडमिशन लेके आए हैं, चाहे डेमो लेने आए हैं, मैं आपका सर्वेंट हूँ, आप मेरे सर्वेंट नहीं है. यू कैन आस्क मी एनीथिंग, है ना, एनीथिंग एनी टाइम, डोंट वरी. अगर कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी चीज में, पूछो, अभी पूछो, अभी शर्म आ रही है, बाहर जाऊंगा वहां पूछ लेना राइट, क्लासरूम के बाहर, ऑफिस में. नहीं समझ आ रहा, हर क्लासरूम में पर्चे लगे हुए बाहर, जिसको कोई डाउट है स्कैन करो, वहां डाल दो. पर अगर डाउट नहीं पूछोगे तब मेरी गलती नहीं होगी राइट. देन वे फॉरवर्ड में क्या है जी, इंप्रूविंग फोरकास्टिंग, बिल्डिंग फ्लड रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंपल थिंग्स राइट. कंक्लूजन देख लेते हैं. बाय टेकिंग स्टेप्स टू प्रेडिक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज इवेंट्स, वी कैन रिड्यूस द लॉस ऑफ लाइफ एंड द प्रॉपर्टी डैमेज दैट दे कॉज. ये हर डिजास्टर में नहीं लिख सकते कंक्लूजन, तो लिख लेना डायरी में जाके. डिजास्टर में तो मैं ये कंक्लूजन लिखूंगा, क्वेश्चन तो एक ही डिजास्टर पे आएगा. अभी पहला दिन है कंक्लूजन्स का, तो आई एम गोइंग इजी वे, आई विल गिव यू मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर कॉम्प्लेक्स क्यों, मोर लेट्स से सोफिस्टिकेटेड कंक्लूजन्स. अभी बड़े बड़े वर्ड फेंक के मारूंगा तो आप ही भाग जाओगे यार क्या कर रहा है राइट. देन दिस इज अ वेरी गुड, नॉट वेरी गुड, वेरी अनफॉर्चुनेट, बट कंसेप्ट अच्छा है. ग्लेशियर क्या होता है, टाइटैनिक मूवी देखी है सबने, कोई ऐसा जिसने देखी हो, उसमें किससे टकराता है टाइटैनिक, आइसबर्ग से. आइसबर्ग इज व्हाट, एक नदी थी, नदी में पानी है, बहुत सारा पानी है ना. अब वो इतनी ठंड हुई कि वो सारी नदी की नदी वो बर्फ बन गई, तो बर्फ की बनी हुई नदियां आर ग्लेशियर्स. एक तरह से अगर ये नदी ऐसे बन गई, बर्फ बनी जा रही है, तो बर्फ का एक तरह से पहाड़ हो गया. वो नदी थी जो एक तरह से बर्फ की तरह खड़ी हो गई, कितना बड़ा पहाड़ सिर्फ बर्फ से. तो बर्फ में क्या क्या, नदी में क्या क्या था, एक तो पानी था, मिट्टी थी, पत्थर था, तो वो सारा का सारा इस बर्फ में ना आ गया, मिट्टी पत्थर ये वो. अब ये मानो कि जब ये बर्फ पिघलेगी, तो यहां से पिघलेगी, यहां से पिघलेगी, यहां से पिघलेगी, यहां से पिघलेगी, क्योंकि गर्मी बढ़ी जा रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ग्लेशियर रिट्रीट कर रहे हैं या पिघल रहे हैं. सो अब ये पिघला, इसमें पत्थर भी था
और पानी भी था. सो लेट से यहां से पिघला, यहां तीन चार पत्थर इकट्ठे हो गए. ये पिघल गया जी, और इसमें से निकले हुए पत्थर यहां पे इकट्ठे हो गए. पत्थर इकट्ठे हो गए तो बीच में क्या इकट्ठा हो गया? पानी. तो बेसिकली क्या बन गई? लेक. अब गर्मी बढ़ी जा रही है, ये और मेल्ट हो जा रहा है, पानी बढ़ी जा रहा है, पानी बढ़ी जा रहा है. ये पत्थर पड़ा है यहाँ पे जिससे पानी रुका हुआ है. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पत्थर की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी. पत्थर उसे, इसको मैं धक्का दे रहा हूँ नहीं जा रहा, पर एक दिन तो मैं भी जिम जाऊंगा और इसे धक्का दे पाऊंगा. सो एकदम से फिर पानी अंदर से निकलेगा, है ना. ग्रैंड स्केल पे हो रहा है, पूरी नदी बर्फ है ये. तो एक दिन ऐसा होगा ये पत्थर की कैपेसिटी कम हो जाएगी, मेरी कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी. मैं इस एग्जांपल में पानी हूँ, फाड़ के पत्थर को बाहर निकलेगा. दिस वुड बी कॉल्ड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट. लाइक कोई बड़ी, दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट. और ऐसी ग्लेशियर लेक्स इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ है? 100 से ज्यादा उत्तराखंड में ऐसी लेक्स हैं जो इस वजह से बनी है. कंसेप्ट समझ गए? और रिट्रीट ज्यादा क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज. तो ग्लेशियर लेक फटती है, पूरा का पूरा शहर बह जाता है उसमें, है ना. फिर लोग बोलते हैं केदारनाथ में भोले बाबा का मंदिर बच गया. मुझे नहीं पता कौन से भगवान थे भाई, वेरी सॉरी, आई एम नॉट रिलीजियस इनफ, बट जो भी था वो ऐसी बातें करते हैं. देखा, भगवान से तुमने पंगा लिया था, भगवान ने लेक फोड़ दी. साइंस इज जस्ट द एनिमी ऑफ यूनिकनेस. भगवान ने कुछ नहीं करा, इंसान ने करा. ये हमारी गलती है, उन पे मत डालो, ये हमारी फॉल्ट है, राइट. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सॉलिडिफाई दिस एम्बैकमेंट, कैन मेक इट बेटर. एक और कहानी है साथ में, एक उत्तराखंड में जगह है, डिस्ट्रिक्ट है चमोली, चामोली डिस्ट्रिक्ट. ये वो जगह है जहां पे पेड़ काटने आए थे तो औरतों ने पेड़ों को झपियां पाली थी. चिपको मूवमेंट, दैट चिपको मूवमेंट वॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ट्रीज. यहीं पे सबसे बड़ा आउटबर्स्ट फ्लड हुआ है. जहां पे एनवायरनमेंट को बचा रहे थे वहीं पटाखा भूल गए. और बताओ, फ्रॉम दैट चमोली टू दिस चमोली, दिस हैपेंड डेकेड्स बैक. कब हुआ था चिपको मूवमेंट? एनीबॉडी? 73. और ये आउटबर्स्ट फ्लड 2022, सबसे बड़ा चमोली ही डिजास्टर हुआ. तो न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी हेडिंग आई थी, फ्रॉम चिपको टू चमोली, सॉरी चिपको. चिपको वाज नथिंग रोमांटिक और समथिंग लाइक दैट. चिपको मूवमेंट टू चमोली, सही. सो दिस इज अबाउट दी ग्लेशियल, उत्तराखंड ग्लेशियल आउटबर्स्ट फ्लड. कॉन्सेप्ट समझ गए ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? पक्का? रुक जाओ, एज आई सेड, गंदा आदमी हूं मैं. एक मिनट सोचो क्या पढ़ा है. आई विल ऑल्सो हैव वाटर, आई विल बी बैक, आई विल आस्क क्वेश्चंस ऑन दिस. कोई डाउट तो नहीं किसी को? बाहर से बंद करके जाऊंगी, कोई भागेगा नहीं. कोई भागने की प्लान में है? देखो, अगेन आई रिपीट, जो पहली बार आए हैं, वन रूल इज स्टूपिड क्वेश्चन नहीं है, जो मर्जी पूछो. सेकंड रूल इज, अगर तैयारी कर रहे हो तो गदर पिक्चर देखिए, सनी देओल वाली गदर. ही सेज कि हम 120 हैं, वो पूरे 600. इस केस में हम अकेले हैं और वो 100 सवाल. तो अगर लड़ना है तो बता दो, नहीं तो अभी भाग जाओ. अगर कल आ गए, दूसरी क्लास में आ गए, तो देन द सेम सनी देओल रूल अप्लाइज. कि अगर अब तुम में से किसी ने भागने की कोशिश करी तो मैं गोली मार दूंगा, अगर मैं भाग गया तो आप गोली मार देना. फिर तो हम आपकी डोली उठाएंगे यहां से लवसना की तरफ, बीच में नहीं भागने देंगे. मनी डजंट मैटर, मेरे से जो मर्जी, मनी उधर बाहर की बात है, वो एडमिशन टीम एंड ये वो बताएंगे. पढ़ाई में रोना आ रहा है, सर मेरे से नहीं हो रहा, मेरे चाचे के बच्चे की शादी है, ये आई डोंट केयर. डंडा रख के लठ लेके आया करूंगा क्लास में.
एज सीरियस एज दैट. नहीं पढ़ना है ऐसे टाइम पास करने आओ तो मुझे बता दो. सी मोर देन 70% ऑफ द पीपल यूजली कम की बताना है पिंड में कि मैं तो गांव में आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ. क्या बन रहा हूँ? आईएएस. सीधा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, सिविल सर्वेंट. नहीं, आईएएस. पहले अटेम्प्ट में हर कोई आईएएस होता है, जो दूसरे में आते आते सिविल सर्वेंट बन जाता है, तीसरे में उसके बाद क्या कहता है कि मैं तो किताबें ही गाली करता रहता हूँ और तो कुछ आता नहीं है मुझे, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मैं किताबें गाली कर रहा हूँ. सो दिस प्रेपरेशन हम्बल्स यू डाउन. बट अभी भी 5 मिनट 2 मिनट आपके पास हैं, जिसने भागना है भाग जाओ. आई विल नॉट कॉल यू बैक, आई विल नॉट आस्क द एडमिशन टीम टू कॉल यू बैक. बट अगर पढ़ना है तो थिंक अबाउट व्हाट वी हैव रेड राइट नाउ. आई विल आस्क यू क्वेश्चंस राइट नाउ, 2-3 ओनली, नॉट मोर देन दैट. राइट? एनी प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स तो बताओ. नथिंग, 2 मिनट्स.
क्लास फॉर्मेट ऐसे रहता है, नेक्स्ट वीक से ऐसा रहेगा, इस क्लास जो क्लास हुई है वी हैव 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस क्लास ऑलरेडी आस्क्ड एंड हूएवर हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आंसर्स गेट्स रिवॉर्डेड एंड हू हैज नो आंसर्स इफ एवरीबॉडी हैज नो आंसर देन द नेक्स्ट क्लास डज नॉट हैपन यू रिवाइज दिस क्लास फर्स्ट क्लियर बात है राइट सो अभी के लिए जस्ट फॉर एग्जांपल 2-3 क्वेश्चंस Anybody can answer, but लोग ज्यादा हैं तो एकदम से आंसर नहीं, just raise your hand if you know it. I'll ask you, right? नहीं तो बजर देनी पड़ेगी सबको. Right, so, right. The governor has to act according to the aid and advice of the Council of Ministers, which article? Hand raise करना था, disqualified, हाँ जी सर, 163. Okay, then, the governor, sorry, the chief minister has to submit the analysis of flooding report to the governor, right? So then how do you define cloudburst, madam? Thoda sa volume up. So 10 centimeter rainfall in 1 hour, 20-30 square kilometer area. तो समझ तो आ रहा है, तो मैं जैसा भी हूँ आप लोग तो समझदार हो, right? That's very good. So continuing with this, ये हमने देख लिया cloudburst. This is about the cloudburst, glacial lake outburst flood कैसे हो रहा है, retreat कर रहा है, right? एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ. ये सारी वही चीजें हैं, causes क्या है, global warming etc. etc. एक और कहानी सुना के I'll leave you in between today because of the technical error, हमारे 15 मिनट उसमें चले गए, तो आप लोगों को भी घर जाना है, मेरे को भी खाना खाना है. एक कहानी फिर भी सुना के जाऊंगा, बहुत अच्छी कहानी है, इंडिया की इकोनॉमी की कहानी है, इकोनॉमिक्स की नहीं, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी. सो इंडिया कब पैदा होता है, 15 अगस्त 1947. माई फेवरेट थिंग ड्रॉइंग द मैप. टेढ़ा मेढ़ा इंडिया इन 2 seconds, आई कैन ड्रॉ इट बेटर, राइट, बट यू शुड ड्रॉ इट बेटर इन द मेन्स. 4 सेकंड में बनाना आना चाहिए मैप, आउटलाइन, राइट. सो इंडिया जब आजाद होता है तो इंडियन इकोनॉमी, इंडिया आजाद हुआ है अभी ब्रिटिश पावर से एंड ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट से, राइट. सो वट आर वी लुकिंग फॉर, वेलफेयर ऑफ पीपल. सो सबसे पहले ये बात डिसाइड होती है कि इकोनॉमी कैसे चलेगी, गवर्नमेंट चलाएगी इसे. मेन ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी कौन होगा, सरकार करेगी सब कुछ, सारी बड़ी बड़ी चीजें कौन करेगी, रेलवे कौन चलाएगा, सरकार, ONGC सरकार, खनिज निगम सरकार, स्टील अथॉरिटी सरकार, राशन, राशन वाली दुकान, राशन कार्ड बनते होते थे, तो सारा कुछ कौन चलाएगी, सरकार. तो सरकार सरकार सरकार, अब आपको पता है कि एक बैंक है SBI, उसमें जाओ तो बैठे रहो, खासकर PNB, the 19 sector branch is the worst branch I've ever seen in life. तो सरकारी काम कैसे होते हैं आपको पता है, तो सरकारी काम creates inefficiencies. हर चीज में सरकार की परमिशन चाहिए, तो यूजली क्या आ गया था, इंस्पेक्टर राज. राइट, कि कुछ भी आप, जैसे हमने ये एकेडमी खोली है, इसकी ब्रांच अगर हमने साथ में खोलनी है, दिल्ली में, शिमला में ब्रांचेज हैं, सो ब्रांच खोलने से पहले, इवन साथ वाले दुकान लेने से पहले, जगह लेने से पहले, हमें सरकारी परमिशन लेनी पड़ेगी. और सरकार फिर हो ये पर्चा, वो पर्चा, ये फाइल, वो फाइल, सो उसकी वजह से इनएफिशिएंसीज क्रिएट हो जाती हैं. सो 1991 तक देश की इकोनॉमी का इतना बुरा हाल हो जाता है कि हमारे पास सिर्फ 15 दिन के एक्सपेंस रह जाते हैं. एक्सपेंस मतलब जो हम बाहर से खरीद रहे हैं उसके लिए हम पैसे दे रहे हैं, डॉलर्स दे रहे हैं, तो हमारे पास डॉलर बहुत कम रह जाते हैं, राइट, बिकॉज एट दैट टाइम वी बिलीव सरकार सब कुछ चलाएगी और हम कुछ बाहर बेचेंगे नहीं, अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी रखेंगे. ये इंडिया अब दूसरी दोबारा ब्रिटिश या अमेरिकन कॉन्क्वेस्ट का ना बन जाए पार्ट. सो हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी खुद चलाएंगे.
बट ये हमने सोचा ही नहीं, ऑयल वॉयल तो बाहर से ही लाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आप उन्हें कुछ बेच नहीं रहे हो, उनसे खरीद ही जा रहे हो, तो उनको तो फायदा ही फायदा है ना। यू आर जस्ट पेइंग देम मनी एंड हमारा मनी खत्म होने लगा, और सरकार भी इनएफिशिएंट थी। सो 1991 में हम एक तरह से कटोरा लेके IMF के पास जाते हैं कि भैया प्लीज थोड़े से पैसे दे दो। IMF कहता है पैसे तो मैं दे दूंगा, बट आप रिफॉर्म्स करो, अपनी इकोनॉमी को सही चलाओ। तो इस टाइम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG रिफॉर्म्स होते हैं। सो द इकोनॉमी इज ओपनड अप, प्राइवेट सेक्टर का पार्ट बड़ा किया जाता है। इस टाइम क्या था, बिजनेस खोलना ही मुश्किल था, ओपनिंग अप ऑफ बिजनेस वॉज डिफिकल्ट, राइट। LPG के बाद क्या हो गया, ओपनिंग इज वेरी इजी, अब हमें जो भी ब्रांच खोलनी जगह लो और खोलो। एक बारी प्लूटस IAS रजिस्टर हो गया, बॉल ओवर पड़ा, हमारी मर्जी है, रजिस्टर्ड कोचिंग है भैया चलाओ जहां मर्जी, राइट। सो नाउ ओपनिंग अप बिकेम इजी, बट अब क्या हुआ, ओपनिंग अप के साथ साथ दो तीन मुद्दे ऐसे थे, फॉर एग्जाम्पल लेबर, एंड फॉर एग्जाम्पल जो सारी जगह कल्प्रिट है, और अनफॉर्चुनेटली मेरी ग्रेजुएशन तो यही होनी चाहिए, यहां पे क्या मिलता है, जुडिशरी में मिलना क्या चाहिए, जस्टिस मिलता क्या है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सो बिजनेसेस के साथ क्या हो रहा था, ओपन तो आपने कर लिया, लेट से हमने किस चीज की फैक्ट्री बनाई, मैडम खुशप्रीत जी मेरे को भी चॉकलेट्स पसंद है, डार्क वाली, एनी हाउ, सो डार्क चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट्स और मिल्की बार की मीद बार, डार्क चॉकलेट्स। सो हमने डार्क चॉकलेट्स, हम तीनों को पसंद है, जिसको और भी हो मैं आ जाओ, खोलते हैं फैक्ट्री। सो डार्क की फैक्ट्री खोल दी, अब हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, पीछे सिमरन मैडम हमें कवर्स प्रोवाइड करते हैं, पैकिंग, आप क्या प्रोवाइड करेंगे मैडम, फ्लेवर्स, फ्लेवर्स। सो हम फैक्ट्री चलाते हैं और हमारे यहाँ पे 300 लेबर काम करती है। अब मैंने बिजनेस खोल लिया, लेट से हम तीन इसे लीड, बिजनेस चल रहा है, सामान आ रहा है, जा रहा है, कभी उधार पे आ रहा है, ये वो एक्सेट्रा, बट बंद करना चाहते हैं, यार लेट्स क्लोज डाउन द बिजनेस, हम तो IAS अकेडमी खोल लेंगे, वो ज्यादा अच्छा है, चॉकलेट खा खा के मेरा है ना। सो नाउ वी वॉन्ट टू क्लोज इट डाउन, हमारी मर्जी, हमारा बिजनेस बंद, बट नहीं, एक लेबर सुप्रीम कोर्ट चली जाती है कि तुम, हमारा बिजनेस है, तुम बंद नहीं कर सकते, लेबर लॉ देखो, अगर बंद करना भी है तो 300 से ज्यादा, अगर जहां लेबर है 100 से ज्यादा, वहां सरकार की परमिशन लगेगी और इन्हें तीन तीन साल की फ्री की तनख्वाह देनी पड़ेगी, ऐसे टेढ़े मेढ़े रूल है। और दूसरा, अब आप लोगों ने हमें माल सप्लाई करा था, लेट से आपका 5 लाख, आपका 10 लाख, अब आप कर देते हैं पैसे दो, और हमारे पास प्रॉफिट नहीं हुआ, पैसे नहीं है, तो हम बोलते हैं भैया हमारी 1 करोड़ रुपए की मशीनरी पड़ी है, आप बांट के ले लो, बट कोर्ट में जाते हो तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सो कोर्ट में केस भी चल गया, लेबर भी थी, और फैक्ट्री पे लग गया ताला, बट बिजनेस बंद नहीं कर पाए हम, क्योंकि हमने सोचा था 1 करोड़ रुपए की मशीनरी पड़ी है हमारे पास, आपको लोगों के पैसे हटा के हम अपना IAS अकेडमी खोल लेंगे 10-20 लाख लगा के, राइट। सो ना तो वो प्रॉपर्टी बिक पा रही है बिकॉज ऑफ तारीख पे तारीख, ना ये फैक्ट्री बंद हो पा रही है। सो पहले बिजनेस खोलना मुश्किल था, अब बिजनेस बंद करना मुश्किल हो गया। तो दिस वॉज कॉल्ड एज दी बाय द इकोनॉमिक सर्वे द चक्कर व्यू चैलेंज, कि आप खोल तो लोगे बिजनेस, बंद करना बड़ा मुश्किल है। चक्कर व्यू चैलेंज लिया था इस इकोनॉमिक सर्वे ने, कि आप चक्कर में फंस गए बिजनेस में नहीं। सो इसको सॉल्व करने के लिए अब स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इकोनॉमी हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दी IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, कि अगर बिजनेस नहीं चला तो उसे बंद कैसे करना है। एक प्रोफेशनल आएगा, वो देखेगा किसने कितने पैसे देने हैं, कोर्ट वोट छोड़ो, वो तो तारीख ही देंगे, फटाफट बेच के मशीनरी खत्म करो। अब ये आपका रॉ मटेरियल्स का मुद्दा तो हो गया, IBC कर दिया, DRT बना दिया, एनक्लैट
डीआरटी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल फास्ट कर दिया और एनक्लाइटिस नेशनल कंपनी लॉ अपॉलो ट्रिब्यूनल की नॉर्मल कोर्ट में जाके तरीके मत लो, फटाफट प्रोफेशनली काम करो, मशीनरी बेचो, अपना काम चलाओ। क्योंकि अगर ये सोचो ना, अगर वो फैक्ट्री बंद पड़ी है उसमें कुछ नहीं हो रहा, मशीनरी खराब भी तो होगी, चाहे क्रिमिनल हम भी हो, बट आपने क्रिमिनल किसको बना दिया? एसेट्स को। दिस वॉज लीडिंग टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एसेट्स, हेंस द इकोनॉमी एज अ होल, रिसोर्सेज एज अ होल वर सफरिंग। हो सकता है हमारी मशीनें हुनर जी खरीद लेते और बढ़िया चॉकलेट्स बना के बेचते, बट वो तो बड़ी बड़ी खराब हो गई, सबका देश का नुकसान हो रहा था। तो हमने इसके लिए आईबीसी वगैरह लाए, एनक्लैट लाए, आप लोगों की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है ना, क्रेडिटर्स डेटर्स एक्सेट्रा। अब लेबर का क्या करें? लेबर लॉ बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, लेबर लॉज ऐसे लॉज थे जो ना तो टीचर को पढ़ाने आते थे ना हमें पढ़ने आते थे, बस वो ऐसा सेमेस्टर में एक एग्जाम होता था कि इसको तो चाहे जैसे मर्जी कर कर आके ना कुछ भी लिख के पास होना है बस। तो लॉज पता कैसे कैसे हैं कि फैक्ट्री होएगी तो एक कमरे में एरिया के कमरे में इतने होंगे, हर फैक्ट्री में पानी का कूलर होना चाहिए, पानी के कूलर के ऊपर पेड़ होना चाहिए, मतलब एक छोटी छोटी बारीकी को निकाल के उस पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 29 लॉ बनाए हुए थे। तो बेसिकली क्या होता था, लेबर इंस्पेक्टर आता था और वो कहता था दिखा भाई सारे 29 लॉ की एक एक प्रोविजन तूने फॉलो करी है कि नहीं। तो जवाब क्या होता था हमारे पास, फैक्ट्री ओनर के पास जवाब क्या था, गांधी जी की चिट्ठी है भैया, इन्होंने बोला है करी फॉलो, ये ले लो। तो बेसिकली करप्शन पे बिजनेस चल रहा था और सफर कौन कर रहा था, लेबर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने उन 29 लॉज को 4 लॉज में बना दिया। आई थिंक दिस विल वर्क नाउ, ओ यार लेट इट गो। 4 लॉज में बना दिया, राइट, दिस वाज 4 कोड्स ऑफ लॉ, 4 कोड्स ओनली, सिर्फ 4 कोड्स, 29 से सिंप्लीफाई कर दिया इनटू 4 कोड्स। 1 वुड बी डीलिंग विद द कमाई, द इनकम, कि भाई इनकम सिक्योरिटी रहे, कमाई तो चलती रहे, है ना, लेबर को क्या चाहिए, इसमें मिनिमम वेजेस दे दिए, भाई लेबर को मिनिमम वेजेस तो देने ही देने। देन अनदर वुड बी डीलिंग विद द हेल्थ, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, यार ऐसा ही ना कोई इंडस्ट्री बना दे जिसमें लेट्स से चाइल्ड एम्प्लॉयड है और उसे डेंजरस मशीनरी दी जा रही है, किसी का हाथ कट जा रहा है, ऐसे बहुत होता है। सिंस बिलोंगिंग टू अ डॉक्टर फैमिली आई सी इट एवरी डे कि लेबर चढ़ा था उसकी उंगली कट गई, एक तो कटोरी में कटी हुई उंगली रख के ले आया कि भाई साहब मैं काट रहा था उंगली वो काट ली, रख के ले आया, एक कान ले आया, ऐसा होता है। सो एटलीस्ट सेफ्टी एश्योरेंस, इनकम हो गया, सेफ्टी हो गई, और क्या रह गया, डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो डिस्प्यूट को एमिकेबली सेटल कर दो, यार कोई भी लड़ाई हुई उसके लिए ट्रेड यूनियंस को स्ट्राइक पे जाने से पहले नोटिस देना चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तुम 60 दिन के अंदर अंदर सॉल्व कर दो, नहीं तो हम स्ट्राइक पे जाएंगे। सिंप्लीफाइड इनफ। देन लास्ट रह गए जी सोशल सिक्योरिटी, इनकम, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी, एंड कि अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ता है, उसे कोई बीमारी हो गई है तो उसको इंश्योरेंस मिलनी चाहिए। रेगुलर एम्प्लॉयज के पास इंश्योरेंस होती है ना, यू हैव ECIS, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, प्रोविडेंट फंड्स, दे हेल्प यू इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। सो हेंस वी हैव सिंप्लीफाइड द 29 लॉज इनटू 4 कोड्स। What will happen now? अब बिजनेस बंद करना भी आसान रहेगा आपके रॉ मटेरियल के कोर्स में और लेबर के, नॉट इट्स नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग डिविजन, हमें लेबर क्यों बोला, लेबर के कोर्स में भी और बिजनेस के कोर्स में, दिस इज वॉट वी हैव डन, राइट। एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, राइट। सो इसमें भी चैलेंजेस भी होंगे, अब लेबर बोलेगी हमारी नहीं सुन रहे, 60 दिन का नोटिस दें, कोई हमें मार ना दे, दोस सेम फॉर्मेट इज फॉलोड, वील कंटिन्यू फ्रॉम हेयर नेक्स्ट टाइम। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो, चलो सो सी यू नेक्स्ट टाइम। मैं क्वेश्चन पूछूंगा,
अगर कोई बहुत ही अच्छा एस्पिरेंट और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, ट्राई मेकिंग आउट ऑफ ऑल दिस पीडीएफ, सारे डॉक्यूमेंट से दो एमसीक्यू बनाने की कोशिश करना। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? अगर आप क्वेश्चन बनाना सीख गए ना, प्रीलिम जिंदगी में नहीं रुकेगा, बिकॉज एमसीक्यू की नेचर है आंसर सामने लिखना ही लिखना है। चार ऑप्शन है एबीसीडी, आंसर उसी में है, तो क्वेश्चन पेपर सेटर ने छुपाना है उसे या आपको बताना चले। तो अगर 30-40 ही स्कीमें आती हैं जिससे वो छुपा सकता है आंसर, तो अगर आप वही खुद सीख गए तो मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू कैन ट्राई टू मेक टू एमसीक्यूज फ्रॉम इट, नहीं बनता कोई बात नहीं, दिस इज, अभी आप स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट भी प्रॉपरली नहीं है, फिर कॉम्पोनेंट पढ़ेंगे, तो टीचर लेवल वाली बात कर रहा हूँ जो प्रोफेसर बना रहे हैं सवाल। बट अगर शुरू से ही थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना है बस, अभी उसको करो ना हो पाए, भागने को मन करे, कोई बात नहीं, मेरे पास आ जाना भाग के, आई विल सेटल दैट, राइट? बट इफ यू कैन, इफ यू आर एबल टू, ट्राई इट, राइट? दैट्स इट, थैंक यू। कोई डाउट हो तो बताओ। चलो, सी यू देन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।